सदानंदना ब्रज जन रंजना जय यशोद जन जय जसदानंदन ब्रज जन रंजन जय जसदानंदन मदन मोहन जय राधा माधव गुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राधे Thank you.
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रेष्ठं मनोऽपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्य गजमरपरिमाथिरिङ्गुष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं रक्तजस्य प्रतितकृपया गुरुं तं नतस्मिं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्ते कृष्ण शक्ति सर्वपामिने। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ
श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुना श्री चैतन्य मन विष्णुं स्थापितं जेन भूतले स्वयं रूपं कदा मयं ददाति सपदांतिकं कंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः आजानुलंबितभुज कनकावधातु संकीर्तनैकपीतरो कमलायतक्यो विश्वंभरो द्विजभरो जगद्धर्मपाल वंदे जगत प्रिय कर करुणावतार राधा दामोदर पृष्ठ राधिक वर्ष बांधवी समस्त वल्लभी वृंद धर्मिलोत्तंस मल्लिका कृष्ण प्रियावली मुख्य गंधर्वा ललिता सखी विशाखा सख्य सखिनी हरिहृद भृंग मंजरी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंध जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते कनक मुकुट चोड़ पुष्पित भूषितांग सकल वर्णन विष्ट सुंदरा नंद पुंज चरण कमल दिव्यो देव देवादिसेव्यो भज भज तुम रे राधिका कृष्ण चंद्र तमादि देवं करुणा निधान तमाल बन्नं श्रीतबतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन बिलकातरहाजहाब पुत्रेति तन्मयतयातरभविनेदु तं सर्वभूतोदयं मुनिमानतस्मि भक्त्या विहीनापराधलक्ष्मी क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयितं शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्द नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमो भागीसजस्य वदने लक्ष्मीजस्य वक्ष्यसि जस्यस्ति हृदये संवित्तं सिंहसिंहं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदिरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वदेव बंदी गुरुपाद पद्म भगत संबंध प्रभाता अभिन्न भगवत विग्रह प्रक्षेपाचस्तर गौरवाणी मूर्तिमंत प्रचारक प्रभर नितला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टत्रिशतश्री शिल भक्ति वैभवपुरी सही महाराजं अशोक वचन षष्टांदोलन प्रणिपात करता हित गुरु प्रार्थना कर जगद्गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद तुलसी वचन षष्टांदोलन प्रणिपात करता हित गुरु प्रार्थना कर मध्य शिक्षा गुरु परम आराध्य शिल भक्ति विचार विष्णु विषय आचरण षष्टांदोलन प्रदान करें समस्त आचार्य वच्च गुरुवर्ग गुरु परंपरा समस्त गौड़ सरस्वत वृंद समस्त चरण कुल षष्टा प्रणिपात हित गुरु प्रार्थना करें संपस्त वैष्णववृंद वैष्णववृंद सतीर्थवृंद मातृमंडली भगवत कथा रस के सुधि भक्त जन वृंद समस्त चरण कुल वांछित धूमर षष्टा प्रणिपात हित गुरु प्रार्थना करें राधा श्याम सुंदरंकर बड़ कृपा सद्गुरुदेवंकर पावन तिथि उपलक्ष्य जो महती अनुष्ठान
जो सप्त दिवस व्यापी भागवत यज्ञ जो आयोजन तार आज पंचम दिवस गत काली मां स्वदन करते कि प्रकार ऋषभ देवता पुओ मान को जीवन सतमार्ग तपस्या करिया दरकार पंचम स्कंद शेष वर्णना कर नर्क वर्णना आज तो जन्माष्टमी करा पड़ो जहाँ मत कृष्ण जन्म कर प्रकट करा पड़ो कथा न कृष्ण कथा न शुणिले आनंद आसवन कल आम रमेश बाबू कहते कृष्ण कथाटी हेल्ले भल लगे तेणु आज प्रकट करदा जहाँ भागवत ए प्रकार सब कथा संभव नुहे चुंबक कहीकि गले ठीक हो टे स्पर्श कर आस्वादन हम प्रश्न थी महाराज जो मान जो जो मानक जो अधगति विभिन्न प्रकार पाप कर्म करुछंती पुण्य कर्म करुछंती तांको पाई जो दंड विधान सब रही सब केमिति हुए सिकल देखो जो माने विभिन्न प्रकार तीन गुण द्वारा क्षमता कर्म करुछंती तामस राजस सात्विक विशेषकर से मानकर स्वभाव से मानकर श्रद्धा यही अनुजाई पापर निरूपण करा जाए जन जन ज्ञात सारे करती जन अज्ञात सारे करती विभिन्न प्रकार कर्म पाप कर्म तेणु से सब विचार कर दंड दि जाए नरक उपरी कौन सतरे अच्छी हाँ अच्छी ये पृथ्वी पृष्ठ भूपृष्ठ रु अनस्पत हजार जोजन किलोमीटर कह जा तले पृथ्वीर तले अच्छी दक्षिण भाग रे जल रूपरे संजीवनीपुर जमराजपुर कह जा जीव मृत्यु हेले सेठी जाए सेठी तक तार विचार करा जाए से कौटी जो ऊर्ध जीव कि मध्यम रहिबो कि नीचे जीव अधोगति हेबो तेणु जीव जो पापकर्म कर तार श्रद्धा अनुजाई तार स्वभाव गुण एसबू अनुजाई तक दंड दि जाए वर्णना कर संजय जमराज को दायित्व दिखाई जी कि संपूर्ण प्राणी मान दंड विधान करती दंड विधान कोई नर्क सब रही भागवत वर्णना कर विशेषकर प्रमुख सताईसटा नर्क किंतु बहुत गुड़िया नर्क भी अच्छी तामिश्र अंधतामिश्र रौरव महारौरव कुंभीपाक अंधकूप तप्त सुरमी कामसूत्र रुरोध पयोध वज्र सलमल कंटक सलमली अशिपत्रवन शुकर मुख कृमि भोजन सरमयादान विभिन्न प्रकार नर्क वर्णना कराई सब नर्क वर्णना भी करा कर नर्क कौ मान जीवे एकाधारे कह गए समस्ते पापकर्म करुचे अज्ञात सारे पाप हो ज्ञात सारे पाप हो पाप पातक लघुपातक गुरुपातक अतिपातक महापातक विभिन्न प्रकार पाप सब रही पाप को पापर को निरूपण कराए धर्मराज जमराज महाराज तक दंड दिखती सब तो वर्णना करहबनी तथा गोटे दिटा शुणा दरकार गोटे गोटे नर्क अच्छे जो मैंने बापा माँ को कष्ट दिखती पिता माता को गुरुजन को कष्ट दिखती वेद को मानते नहीं कौन सी संत ब्राह्मण को मानते नहीं कष्ट दिखती जो मैंने विशेषकर पिता माता को तांक पे गोटे बढ़िया नर्क अच्छे दस हजार योजन गोटे नर्क अच्छे से नर्क हूँ तंबार गोटे भूमि दस हजार योजन गोटे फिल्ड अच्छी से तंबा तंबा प्लेट उपर प्रखर सूर्यर किरण तले तार अग्नि संजय कराई दस हजार योजन लंबा चौड़ा से जीवटा को जो मैंने कष्ट दिखती पिता माता को
गोमाता साधु संत वैदिक ब्राह्मण से मान को सही नि जाए। अच्छा किए जाए जीवटा तो मरी जाए आमर गोटे सूक्ष्म शरीर अच्छे सहीटा जाए आम मरीगला आमको दग्धीभूत करा जाए आम पंचभूत शरीर स्थूल शरीर नष्ट हो जाए ये तो पाँच हो जाए कि सूक्ष्म शरीर अच्छे जी कि आत्मा सहित जाए सब बड़े आम शरीर भोग भोग कर सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर क्या कहला मन बुद्धि अहंकार चित्त सूक्ष्म शरीर गोटे अच्छे तार रूप गोटे अच्छे से शरीरटा जाए से कष्ट पाए आम जदि किए पिटीदेला कष्ट मन को हूँ ना मन कष्ट पाऊँ गाड़ी कले मन कष्ट पाऊँ मन जदि खराब अच्छे भोज्य वस्तु थी क्षुदा थी कि खाई तेणु सुख दुखर कारण भोग कर मन ही भोग कर सूक्ष्म शरीर जाए सूक्ष्म शरीर मृत्यु हुए नी से जमराजपुर कष्ट पाए से शरीरटा को सेठी नियाजीबो से तंबा प्लेट उपर छोड़ा जीव से बिचरा से भीतर तल गरम उपर गरम से पड़ जाऊ दौड़ मूर्छित होती कोरोना माड करा ता शरीर जी रोम अच्छे से वर्ष पर्यंत से कष्ट पाइब विभिन्न प्रकार जो मैंने आमिष फामिष खाऊँ भाजिकी तेल से गुट कड़ा भी अच्छे से कड़ा अच्छे जमराज गोटे बड़ कड़ाई अच्छे से भी उबला हो तेल टक टक फुटे जो मैंने ये फ्राई कर फ्राई कराए कि मरी जाए से मरे से कष्ट पाए पूरा बर्णना कर जो मैंने अन्यर स्त्री धन को हरण करती तमिश्र ये नर्क जी जो मैंने अन्य स्त्री धन को पुत्र को धक्का दे हरण करती धक्कावास कर बंधु तार खातिर अंध तमिश्र विभिन्न प्रकार नर्क वर्णना कर सब मशा मारे भी नर्क मीछ कहले भी नर्क क्या प्रहार कले उद्वेग दे सब प्रकार नर्क रही सबु कथा शुणी सारापर परीक्षित महाज कहले कली प्रहत जीव मैंने एमती तो कष्ट पाँच नर्कर कौटी भोग कर नर्कर उधार पाइबे कमी से षष्ठ स्कंदर आरंभ अजामिल उपाख्यान कहले सी अध्याय आरंभ कर विभिन्न प्रकार पापकर्म कले प्रायश्चित अच्छे प्रायश्चित तीन प्रकार कर्म मार्ग अच्छी कर्मकांडी मान स्मार्थवादी मान कर्मकांडी बेस गुरुत्व दिखते आ ज्ञान मार्ग रही प्रायश्चित भक्ति मार्ग प्रायश्चित रही तार उदाहरण देखते लोक जो पापकर्म करुंट क्वचित निवर्तते अभद्रत क्वचित चरती तत्पुनः प्रायश्चित मत पार्थ मन कुंजर शौचव ये कर्म मार्ग कर्म मार्ग कौन कहगला पापकर्म करे जीवे पापर प्रायश्चित भी करे आउथ जथापुर तथापुर से पाप करते क्वचित चरती तत्पुनः हस्ती स्नान भाया किसी पाप करती कर्मकांड को कहा जाओ गंगार टी स्नान कर दियो बा किसी होम यज्ञ टी कर दियो विभिन्न प्रकार नना माने ब्राह्मण मान आंकर कर्म मार्ग कथा कहते से माने ये सब कले पाप नष्ट हो तापाई प्रायश्चित मार्ग करती किंतु से मार्ग को कहला मन कुंजर शौच कुंजर मान हस्ती हाथी शौच हस्ती स्नान सदृश कर्म मार्ग पापर प्रायश्चित हाथी कि प्रकार स्नान कै सरोवर को जो फ्रेश रे स्नान कर निजर शुंड द्वारा स्नान कर मतवाला स्नान करपर कूल को आसला से शुंड द्वारा ही से निजर धूली फूली निज देह आउे स्प्रे कर से स्नान किसी मूल्य नहीं यही प्रकार कली प्रहत जीव मैंने कर्म मार्ग जो प्रायश्चित करुंट प्रायश्चित सरगला पाप नष्ट आउ थे पुनर्व पाप कर यथार्थता नहीं किसी अच्छा जो मैंने तपस्या करचंती तपे तपस्या शौच सत् विशेषकर तीर्थ पर्यटन त्याग श्रद्धा यह सब विभिन्न प्रकार सब ज्ञान मार्ग जो कहगला सब करम नियम सम दम विभिन्न इंद्रिय संयम आज ब्रह्मचर्य यू कले कौन हम
श्रद्धार सहित जो माने एक प्रकार धर्म को जाजन करुछंती भागवत महाराज कहले परीक्षित सुखदेव जी कहउछंती से मानकर आ द्वारा कौन हबो क्षिपंती अघं महदपि बड़ बड़ पाप एथरे नष्ट हो किंतु बेणु गुलम मिवानला बाउंश बण अग्नि संजोग करिया सदृश ए ज्ञान मार्ग रे पापर प्रायश्चित विधि जन तपस्या करती शौचाचार हूँ ब्रह्मचर्य पालन करती इंद्रिय संयम करती स्वाध्याय करती तीर्थ पर्यटन आदि करती त्याग करती दान करती मौन रुहत विभिन्न प्रकार ज्ञान मार्ग यह सब कहु एसब श्रद्धार सहित जो मैंने करती पाप तो नष्ट हुए किंतु कि प्रकार बड़ बड़ पाप नष्ट हो क्षिपंती अघं अघमान पाप महदपि बड़ बड़ पाप नष्ट हो विराट विराट पाप किंतु बेणु गुलम मिवानला बेणु माने बाउंश बाउंश बण रे अग्नि संजोग करिया सदृश ए पापर प्रायश्चित विधान कहीं बाउंश बण थी जब आप अग्नि निया लगे देवे से पूरा राख हो पाउंश हो पुड़ जीव पूरा सरीगला किंतु जो बर्षा ऋतु आसव तार मूल रू गजा बाहर आउथरे अंकुरोदम हो किसी दिन पर जो बण को से बण तेणु ज्ञान मार्ग जो प्रायश्चित मार्ग एम जहाँ पाप करते सब नष्ट कि पापर बासनाटा भितर थी जिन बाउंश बण नष्ट जाए बाउंश मूलटा मटी भितर थाए से प्रकार प्रायश्चित द्वारा बाहर पाप जहाँ करते नष्ट कि भितर पापर बीज पाप बासना मन भितर हृदय भितर थाए जो परेश अनुकूल मिलला आउथरे जो कथा से कथ से पाप करेंगे इच्छा और पाप कर्म करने कर मार्ग में गंगा गंगा सागर बुड़ पकईदे आसीगले चल टे पक किसी गोटे खाया टे तीर्थ कले मना ना सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार जा गंगा सागर बुड़ पकईदे जहाँ पाप सब नष्ट घर को आसला से छाका छाकी फ्राई फ्राई कर पापकर्म कर पुनर्मूषिक भाव ज्ञान मार्ग में सब पाप नष्ट किसी दिन साइलेंट रहिबो किंतु भितरे बासनाड़ थिबो जेतरो ठीक परिवेश मिलिबो से भितरु बाहरियो जिन बाउंश बण अग्नि संजोग लाभ किसी दिन अपेक्षा करे वर्षा हेले से गुजरी बाहरे तेणु कहला केचित केवलिया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं धुन्नति कर्छेन निहार मीव भास्कर केचित केवलिया भक्ता वासुदेव परायण वासुदेव भगवान को जो मैंने केवल भक्ति जोग द्वारा भजन करती केवल भक्ति द्वारा अनन्य भक्ति द्वारा भगवान को भजन करती भगवान को सेवा करती भक्ति मार्ग जाऊ कहला एथे अघं धुनति कार्छेन बड़ बड़ सब पाप सब नष्ट किमती निहार मीब भास्कर भास्कर सूर्य निहार मान कुहुड़ी जमती सका देखिए कुहुड़ी थी सूर्य जिते पूर्व दिशा उदित हे धीरे धीरे अंतरिक्षर कुहुड़ी सब अपसारित जाए अपसरण है से प्रकार सूर्यर उदय जमी कुहुड़ी नष्ट से प्रकार जिते प्रकार तार पाप थी पाप बीज पाप बासना पाप फल सब कि जहाँ कि थी सब नष्ट मूल पाटन हो जाओ तार पाप कर इच्छा हो भक्ति मार्ग श्रेष्ठ करागला जो मैंने भक्ति मार्ग कर भजन कर पाप नष्ट किंतु जो मैंने पाप नष्ट भक्ति करप कर सीटा अपराध गोटे मन रखी धरत हरिनाम कह जो हरिमा जो हरिनाम कह भगवत भगवत नाम शक्ति रही हरिनाम कले पाप नष्ट जाए मे खाई दूथ गोटे माला धरी बस पड़ दे पाप नष्ट एमती अच्छा किसी माल पाँटे पकईद आस लेखा तो साधु मान कौन बाबा पकईद दी चार माला करदे पाप नष्ट यही प्रकार चतुरता कल कलीजुग चाहूना श्री राधे काट देना श्री राधे ये प्रकार भक्ति मार्ग श्रेष्ठता प्रतिपादन करा जाइछि इसे ज्ञान मार्ग कर्मा कौन जान छना जिन गोटे सूरा कुंभ थी सूरा पत्र को आम सिल करदे ऊपरटा ताक नहीं गंगारे जमुनारे नर्मदारे कावेरी सब जहाँ बड़ बड़ नदी से सब डुबे डुबे नहीं आसत से कौन पवित्र हो कि भितर तो तार मद अच्छे से प्रकार भितर तो बासना दूसरे भितर काम पाप बासना को नष्ट करने भक्ति मार्ग दरकार हरिभजन करने
अजामिल बोली जने विप्रदेव थिले शॉर्टकट रे कहदा जे की नैष्टिक थिले सदाचार संपन्न थिले माछी की मौ भी कोन थिले बहुत निष्ठावान थिले मंत्र दृष्टा भी विद्वता थिला। बापा यज्ञ करछन्ति समिति संग्रह करिया पय से जण बण को जाइछन्ति फेरिया समय रे देखले गोटे बिटप स्त्री गोटे गोटे दुष्ट पुरुष सहित वृक्ष मूल रे विवस्त्र अवस्था रे से अश्लील सुरति क्रीड़ा करुचे एई दृश्य को दर्शन कला पर तांको चित्त विचलित हला। तापर जल से घर को फेरिछन्ति जप करछन्ति ध्यान करछन्ति मन तांकर ध्यान रे जप रे लागिलानि बस सेई दृश्य ही तांक मन भीतर उद्वासित हला जहाँ देखी थे से दृश्य धीरे 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 से मन तांकर एत आकर्षित है बहुत भी सी कर बापमा वृद्ध तांकर जो बयस वृद्ध पितामाता को सेवा करिया कथा जो स्त्री जत्न नवा कथा ये कौन कले सब छाड़ी पलैले से बेसिया पाख कले तारी पाखर रे धीरे धीरे तार सब सतान जन्म होती तारी परिपोषण ये जीवनटा नष्ट कले सब सदाचार नष्ट होगा संसर्ग दूषित होगी शेष गोटे महात्मा कृपार शेष सतान जी की स्त्री अंतसत्वा थे गोटे महात्मा कृपा करें देखिले महात्मा तो जहाँ घर को जाती कृपा ही करती कहला आर कल्याण केमती हो कहले तुम गोटे तुम तो आपको तो उपदेश दिल तो शुणवनी ये कह तुम पुओ जदि जन्म हो पु को नारायण बोली नाम दब ये कह हाँ महाराज शेष पुओटा को पुओटा जन्म है वृद्ध बयस पुओ जन्म हो वृद्ध बयस पुओ जन्म हेल्ले बहुत आसक्ति होता है तेणु से छुआ जो जन्म है तार ना दिगला नारायण ये बहुत प्रीति कले पाखे बसु तार पाखे शुआ थार पाखे खुआ थार बसिले उठिले खाइले नारायण 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 होते जुआड़े गले भी नारायण उठिले नारायण बसिले नारायण क्या पुओ बाछल्य भाव धीरे धीरे तार मृत्यु समय आसी मृत्यु समय सजाड़े कोके सजाड़ जा लोक आत्मीय सज मैंने नहीं श्मशान को श्मशान में दाह करने सब सजावट चलती कोके रखा जा का अग्नि संजोग कर समय से देखागला से जमदूत मैंने तो टाणी नहीं तीन जन जमदूत आसते नापाई तीन जन कहीं शरीर द्वारा मन द्वारा वाणी द्वारा पापकर्म करता ये जिते प्रकार तीन प्रकार पाप हो जमदूत आसले कि शेष जमदूत मैंने तार गल फास्ते टाणी ये तो बहुत भल पाला पुओ को पुओ को डाकिला मृत्यु समय जे जहाँ को भल पाए से मन भितर पार्टी बाहर तेणु पुओटा को भल पाला नारायण बोली डाक नारायण नारायण डाक चारज विष्णुदूत आसीगले कहीं मृत्यु समय जे भगवान नाम को उच्चारण कर तार फल अच्छे ये भगवान को डाकी नहीं किंतु भगवान नाटा तो डाकिला ना पु उदेश होना कहीं ये महात्मा कृपा करी कही जानी थे आर कल्याण करने एकमात्र रास्ता होती आपको जब भागवत पढ़े कही पढ़वनि सत्संग जा बोले जीवन ये अंत तो पु नाड़ा भगवान का नाड़ा दे जीवन सारा भगवान का ना तो डाकी डाक किसी तो कल्याण हे ये ये आम दैववर्णाश्रम धर्म गौड़ विस्कंज धारा प्रचार चलिए जो मैंने संसार धर्म प्रवेश करदी पुत्र कन्या हे तो ठाकुर जी ना दवा दरकार कहीं से ना को उच्चारण कले भले बापा माँ बाछिले भाव में पुत्र संतान संति डाकंत पछे कि भगवत नामटा तो उच्चारण हम ना तर कल्याण होता है जो नारायण डाकि नारायण चारि अक्षर से चारिटा विष्णुदूत आसे विष्णुदूत मान सहित जमदूत मान संघर्ष है कौन कथार भागवत धर्मर आलोचना सही बहुत किसी प्रश्न उपस्थापन करमदूत पंटा उत्तर देखते कहले जमराज आम धर्मराज जी की सम्राट सी सब दंड विधान करती ये कहले किमती तुम दंड विधान करती ना साक्षी की साक्ष्य ग्रहण करी साक्षी किए ना गोटे लोक जो दिन में पाप कर तार सूर्य देखुं सूर्य साक्षी देवे रात पाप कले चंद्र देखुं दस दिग देखुं मान कहले सब जगह दस भूमि देखुं आकाश देखुं नक्षत्र ग्रह नक्षत्र समस्ते तार दर्शन करेणु एक प्रकार साक्ष्य मानकर साक्षी को आधार कर धर्मराज पाप दंड विधान करती एक कमी दंड विधान से कौन से प्रायश्चित मार्ग ना किसी ना पाप समस्ते दंड भोगे बाध्य ये कहले तुम अधर्म सेवे धर्म धर्म सेवे अधर्म व्याख्या करुच तुम्हें धर्म तत्व ही जान धर्म क्या कह जाए धर्म व्याख्या कौन दुनिया
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି କଥୋପକଥନ। ଏମାନେ କହିଲେ ଦେଖ ଭଗବତ ନାମ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସଂକେତଂ ପରିଆସନ୍ତ ଏବଂ ହେଳନମେବ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଗ୍ରହଣ ଅଘଂ ହରଂ ପରଂ ବିଦୁ। ଯେତେ ବଡ଼ ନାଁ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ ହଉ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଗ୍ରହଣ। ବୈକୁଣ୍ଠ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଭଗବତ ନାମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଡାକନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସଂକେତରେ ଡାକୁ। ସଂକେତରେ ଡାକିଥିଲା ଇଏ ନା ପୋଡ଼ା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂକେତ କରି ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ଡାକୁ କଲା ସଂକେତ। ପରିହାସ ଆମେ ହରିନାମ କରୁଛେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ କିଛି ଲୋକ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ଆଇଲେ ହରିନାମ କରୁଛେ ଖାଲି ହରେକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେବ ହରେକୃଷ୍ଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ନା। ପରିହାସରେ ବି ଜଣେ ଯଦି ଚୁଗୁଲି କରିବି କହିବ ତାରି କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ସଂକେତ ପରେ ସ୍ତୋବଂ ହେଳନମ ସ୍ତୋବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସାଭାସ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ୟୁଜିକ୍ ବା ଡ୍ରମ୍ ଫ୍ରମ୍ ବଜେଇ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବଜୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀନିବାସରେ ବି ଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଯାହା ହେଲେ ତ ହରିନାମ ହେଉଛି ତା'ର କଲ୍ୟାଣ ଅଛି। ଆଉ ଅବହେଳା ଅବହେଳାରେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ କରୁଥିବେ ହାଇ ଟିକେ ମାରୁଥିବେ ତା'ପରେ ହରେ ରାମ 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 କରୁଥିବେ ଢୁଳଉଥିବେ ପଡ଼ୁଥିବେ କରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ହେଉନା କାହିଁକି ଭଗବତ ନାମ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ତା'ର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କଲେ ତା'ର ଭକ୍ତି ହେବ ପ୍ରେମ ହେବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କଲେ ତା'ର ଜୀବନର ପାହାଚ ପାହାଚ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ। ଇଏ କ'ଣ ଅଜାମିଳ କ'ଣ ଡାକିଥିଲେ ପୁଅ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ଉପଚାରରେ ଡାକିଥିଲେ ପୁଅଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନାରାୟଣ ଡାକିଥିଲେ ଇଏ ସଂକେତ ନାମ ହେଲା। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଯଦି ଶେଷ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ତାହେଲେ ତା'ର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର କଥୋପତନ ହେଲା ପରେ ଯମଦୂତମାନେ ଫେରିକି ପଳେଇଲେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରାଣ ଯାଇନି ଇଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅବଚେତନ ମାନସରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଟିକେ ପଲକ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ ତାପରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଜୀବନର ମାର୍ଗ କ'ଣ ଭାଗଧର୍ମ ଶିଖିଲେ ସେଇଠୁ ଭାଗଧର୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାଗଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ କ'ଣ ଜୀବର ଧର୍ମ କ'ଣ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏ ବୁଝିପାରିଲେ ସଂସାର ଅସାରତ ତାପରେ ନାରାୟଣ କହିକି ସେ କୋକେଇ ଉପରେ ଉଠି ବସିଲେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆରେ ଆରେ ଏଇଟା ଭୂତ ହେଇକି ଆସିଲା ଲୁଟି ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଏପରି ତା ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯିଏକି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ବାପା ପ୍ରକୃତରେ ଉଠିଛନ୍ତି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ଭୂତ କରି ଚିତ୍କାର କରି ପଳେଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ମଶାନରେ ମଇଦାନରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ସେ ଉଠିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗଲେ ଉତ୍ତର ଦିଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚାଲିଲେ ସେଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଗଲେ ଦଶ ବର୍ଷ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ଦଶ ବର୍ଷ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଦଶ ସ୍ତନ୍ଦ ପାଠ କଲେ ଦଶ ଭଜନ କଲା ପରେ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ତାପରେ ଭଗବତ ଧାମ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଅଜାମିଳ ଉପାଖ୍ୟାନର ଚରିତ୍ର ଭଗବତ ନାମର ଶକ୍ତି ଏତିକି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ହେଲେ ହେଉ ନା କାହିଁକି ହରିଭଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯମଦୂତମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯମରାଜକୁ ଆରେ ମହାରାଜ ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ସର୍ବେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଗଲୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଗଲେ ଦେବଦୂତ ଭଳିଆ ତିନି ଚାରିଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ତେଜ ତାଙ୍କ ତେଜ ପାଖରେ ଆମେ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲୁ ତାଙ୍କର କଥାରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲୁନୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରେ ବଡ଼ ନା ଆଉ କିଏ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଯଦି ବଡ଼ ହେବେ ତା ରାଜା ଯଦି ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ହେବେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଯିବ ଜଣେ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହିଁ ମନେ କରିଛୁ ଆପଣ ଆଦେଶକୁ ଆଜି ଜଣେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଘଟଣା କ'ଣ। ଯମରାଜ କହିଲେ ଆରେ ପାଗଳ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ବରୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର କିଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଅନାଦି ଆଦି ପୁରୁଷ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ ସମସ୍ତ କାରଣର କାରଣର ମୂଳ ପୁରୁଷ ଜଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ଠାକୁରଜୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କିଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କରି ଆଦେଶରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଗୋଟିଏ ମିଳିଛି ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ ସେ ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଦୂତମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଶେଷ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିଥିଲେ। ଯମଦୂତମାନେ କହିଲେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ନା ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ସେଠି ଆସିଲୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଭୁଲ ଯେମିତି ନୁହଁ ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେବୁ କେଉଁମାନେ ପାଖକୁ ଯିବୁ ସମସ୍ତେ ପାଖକୁ ଯିବ ଏମିତି ଯଦି ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଥିବ ଧକ୍କା ଖାଇବା କଥା ବଦନାମ ହେବା କଥା। ଯମରାଜ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ତୁଳସୀ ମାଳି ପରିଧାନ କରିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ତିଳକ ଧାରଣ କରିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ଉପାସନା କରୁଥିବେ ବିଶେଷ କରି
जिहान भक्ति भगवत नाम गुण ध्येय जार जिहारे भगवान का नाम गुण कीर्तन होने चेतस्न स्मरति तरणार बिंदम जो मन के चित्तरे जो मैंने भगवान के चरण को चिंतन करना कृष्णायन नमति तत्थिरत एकदपि जो मैंने कृष्ण के चरण रे मस्तक अवनत को प्रणाम करना तान तान आने अधम असत विष्णु अकृत विष्णु कृत्यम से असत अकृत लोक मान को नहीं आस जो मैंने मनरे भगवान को चिंतन करना भगवान के चरण कमल को जो मैंने भगवान पाखे प्रणति ज्ञापन प्रणाम करूना दंडवत होना जो मैंने मुहरे भगवत नाम उच्चारण होनी विशेषकर ये सब हरिभजन जो मैंने करूना से मान को तुम नहीं आस जदि किए हरिनाम उच्चारण कर भूल जीवनी हनुमान जी गले लंका दहन करने पूरा अग्नि संजय कले नांगुड़ बाहर कले सारा लंका जाली पड़ी कि गोटे छोटिया कुटीर गोटे रहीगला कहीं से भितर राम राम शब्द आसाला से विभीषण जी बड़ बड़ घर जलीगला कि कोटीटा जलानी कहीं भगवान का नाम नौते सी हरिभजन चमत्कार ए प्रकार जो मैंने भगवान का नाम निमर जमदूत भी सही आसीपारे वर्णना कराई विश्वामित्र मान देव देवगुरु बृहस्पति जा थे सुधर्मा सभा जी इंद्र दरबार जहाँ को आगला अमरावतीपुर से जाग को शेषर इंद्र कौन कर सिंहासन आवड़ होती सब तक पात्र मंत्री बस अप्सरा मैंने नृत्य करंदर मान गीत गाँव पूरा सब मस्ती अच्छा पूरा पूरा प्रोग्राम चलती इंद्र तो दरबार सब प्रोग्राम बृहस्पति गले द्वार सम्मुखें छिड़ा हेले इंद्र देखी न देखा भाया रे शिष्य बृहस्पति देखले गर्व हो गला अरे गुरु आड़ा हेबन ना गुरु को तो प्रणाम करा कथा सम्मान करा कथा अभिवादन करा कथा महामूर्खड़ा ये ये शिष्य अंतर्ध्यान हो गले अंतर्ध्यान हो गले इंद्र तापर बुद्धि फलारे अरे गुरुजी आसते बोध पड़े तापर खुजला सब प्रोग्राम बंद सब नाटक खाटे सब बंद कहीं गुरु अप्रसन्न ले सब प्रसन्न हो जाए ना सब गड़बड़ हो जैसे प्रसाद भगवत प्रसाद जैसे प्रसाद तत् न गति कुत भी कहला विश्वनाथ पाद कहले जहाँ प्रसन्नतार सब प्रसन्न जी अप्रसन्न हो गले भगवान भी असंतुष्ट हो जाती ये खोजले खोजी पारे जितने गुरुदेव अंतर्धान लीला कले मान विशेषकर लुचि गले से ये खुशी पारे गुरु जहाँ को छाड़देले ना से श्रीहीन हो गले ये श्रीहीन हो गला धैर्य शौर्य वीर्य ऐश्वर्य विभूति तेज सब नष्ट धर्म शेष असुर आसुरिक शक्ति प्रभाव विस्तार कला मैंने राज्यच्युत हो गले स्वर्गच्युत हो गले सब से इंद्र गले क्या पाक तोष्टा ऋषि गले पु थे विश्वरूप ब्रह्मा को परामर्श गुरु बोली कले वर्ण कले गुरु रूप वर्ण कर द्वारा यज्ञ कले यज्ञ करके से आहुति दौंस आहुति दस कौन कले विश्वरूप होती विशेषकर माँ जड़े असुरी मामू वंश असुर पिता वंश ऋषि तेणु अलक्ष्य इंद्रंकर अलक्ष्य से कौन करते उच्च स्वर में देवता मान आहुति दूसरे कि मंत्र नम्र मंत्र स्वर में मातृ वंश प्रति आहुति दूसरे इंद्र तो बड़ चित्र बुझीपारे यहाँ बड़ गड़ बड़ कम से स्कंदचित करदे जो बुत्र बद्ध करागला से स्वर तक बापा क्रोधान्वित होगले बापा जन महान तपस्वी थे सी गोटे यज्ञ कले से यज्ञ कले कौन यज्ञ उद्देश्य था इंद्र को बद्ध करिया शक्ति गोटे प्रकट हे कि से मंत्र उच्चारण कले इंद्र शत्रु विवर्ध सूर्य मंत्र मंत्र गोटे ये प्रकाश अच्छी जदि मंत्रर शब्द सब अच्छी मंत्र उदात अनुदात उच्चारण करा जाए उदात मान उठब उच्च स्तर में अनुदात कम प्रकार इंद्र शत्रु विवर्धस्य आहुति दौले ये कौन कले जो शब्दा उदात हो माने उच्च स्वर हे सही फलवती हो
ये जे कहले इंद्र शत्रु विवर्धस्य अर्थ इंद्रटा को जदि उच्चारण जोर कर इंद्र शत्रु विवर्धस्य माने इंद्र इंद्र शत्रु बद्ध कला फल फल जीव जदि इंद्र को कम कर शत्रु शब्द अर्ध्य करेंगे उच्चारण करेंगे ताल इंद्र को बद्ध कर शक्ति प्रकट हो ये उल्टा करदे इंद्रटा को उच्चारण कले विशेष भाव बड़ भाव उदात्त इंद्र शत्रु विवर्धस्य अर्थ इंद्र पावरफुल हो गले शत्रु को विनाश करिया शक्ति गोटे प्रकट होगा ये उल्टा हो गला कथा भगवत इच्छा तेणु से जो भूतरास्त्र प्रकट हेले जहाँ कि इंद्र को बद्ध करने जन्म कराई कि इंद्र द्वारा से बद्ध हो जाए शेष भूतरास्त्र को इंद्र बद्ध कर सीए कि बड़ अद्भुत महात्मा सी बद्ध करवा समय से प्रार्थना कर ठाकुर जी को सी जानते इंद्र को वज्र द्वारा से बद्ध हे कह इंद्र मुझे जानी तुम वज्र द्वारा मोर निपात हे किंतु मैं भगवान को स्तुति करी से एक प्रकार एत शक्तिशाली इंद्र सहित तो से हाथी गिड़ीदे मान ऐरावत हाथी गिड़ीदे पूरा भाग्य भल इंद्र नारायण कवच मंत्र पाठ शिखी सी तार घर भितर नारायण कवच पाठ कर चिरी बाहर से बचीगले सीतापुर आधे युद्ध होती प्रकार सी स्तुति कर अद्भुत स्तुति कर स्तुतिर अहंघरे तो पादिक मूल दासानु दासन भविताशी भूय मनस्मरे तम पतर गुणस्ते गुणित वाकर्म करो तो वाय ननाक पुष्ट न पारमिष्ट न सर्वभ न साधिपत्य न जोग सिद्धि पुनर्भवांग समस्त विरस काके कहे मत स्वर्ग किसी दरकार नहीं सशागर धैत्र सम्राट दरकार नहीं कौन जोग दरकार नहीं सिद्धि दरकार नहीं किसी दरकार नहीं प्रभु बास तुमरी बीरहरी मु रही बास तुमरी दर्शन ही दरकार तुम चरण धूलि ही दरकार मम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यं संसार चक्र भ्रमतेषु कर्म भी तन्माय आत्मात्म जदार गे सशक्त चित्त ननाथ भूयात कहले हे उत्तम श्लोक हे प्रभु आपणकर मम उत्तम श्लोक जनेशु सख्यं आपण लोक मान सहित मोर सख्य भाव हो सुंदर प्रार्थना कर हे प्रभु आपण निजन जो मैंने आपण भक्त मान सहित मोर सख्य भाव तहत मोर संबंध हो संसारी विषय लोक सहित संबंध कर खाली मायार मोहित संसार ग्रसित होमत स्वकर्म भी निजर कर्मफल अनुसार मु सारा संसार भ्रमण करुच्ची तन माय आत्मा जदार गे आपण मायार मोहित ही आसक्त हो संसार प्रति तेणु हे प्रभु ये संसार चक्र मत उद्धार करने ये प्रार्थना कर भक्त मान सहित संगलाभ दिंतु से मानस मोर सख्य भाव रो कहीं भगवान भक्त सहित आम संगलाभ करवा पूर्व पढ़ते कपिल भगवान माँ को कही बंधन मुक्त हो जाए मुक्तिर द्वार खोली इंद्र आश्चर्य हो गले ये तो साधारण नुहे भाई मैं मैदान मरिया जाऊँ स्तुति करगवान को परम भक्त ये तापर भगवत इच्छा वज्र 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 भी कौट आनते लुचि थे इंद्र बुतरा सुस्त से पारिपारे युद्ध हारीगले सी प्रथम कि ब्रह्मा देवता ने समस्ते कहले जाओ दधीची पाक जाओ दधीची जो महान तपस्वी थे सी जो अस्थिटा देवे से वज्र तैयारी हो सी वज्र द्वारा निपात कर इंद्र गले दधीची पाक देवता ने गले प्रणाम कले परिक्रमा कले स्तुति कले सी जान लें आगेपी देवता मान तो कम या प्रथम स्तुति करिए वंदना करिए प्रणाम करिए निजर इच्छाटा को पूर्ण करिए प्रकाश करिए एक प्रकार लोक जगत में बहुत भी अच्छा बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी कथा कहे कि उद्देश्य अलग थार दधीशी मगुच दधीशी से गोटे शिक्षा दे देख तुम्हें मगुच ठीक अच्छे ये जीवनटा जहाँ देव कार्य लगे ए बहुत खुशी कितु मागवा पूर्व देखा दरकार दातार सामर्थ्य अच्छी ना गोटे बढ़िया शिक्षा दे मगवाटा तो सहज किंतु मागिया पूर्व देखा दरकार दातार सामर्थ्य अच्छे कि ना आज जो वस्तु दात ग्रहण करवा तद्वारा तार कष्ट न हुए ये प्राणटा माग प्राण हाड़ दिए मन कौन प्राण दिए कौन कष्ट ना जहाँ से वज्र तेरला ये गुरुत्वास कहले से जो महान तपस्वी तपप्लुत अस्थि निर्मित वज्र तेणु मुझे सम्मान देवी गोटे साधु हाड़े ताकि वज्र को समस्त सम्मान दिखती समस्ते सम्मान दिखते सुदर्शन चक्र छड़ा बाकी सब समस्त सम्मान दिखते तापर से सदगति पाई पूर्वजन चित्रकेतु गंधर्व थे प्रकार वर्णना कर चित्रकेतु गंधर्व जी की
नारद और अंगिर ऋषि को परामर्श से संकर्षण भगवान भजन करते साक्षात संकर्षण परम भक्त से दर्शन भी करते से थे जाऊँ आकाश मार्ग आकाश में जाऊँ देखले गोटे निघंच जंगल भितर अरण्य भितर शंकर जी बस भागवत कथा भगवत कथा चर्चा चल से आत्मविद्या कथा महान मान ऋषि मान बस शंकर जी बस पाखे जी जगत जननी जगदम्बा बस पार्वती मैया ऋषि मान बस शुणुंत सी चित्रकेतु गंधर्व सी हसिले आसिले से अवतरण कले हसिले कहले या कौन भगवत कथा कह विधि तो जगदगुरु हो पा यही प्रकार गोटे स्त्रीटा पाखे बस तुम कथ कौच एमती कौटी हुए से शंकर जी किसी भितर सख्य भाई भातृभाव था सी किसी कहले कि पार्वती सही पारे कहले तुम बड़े बहुत विद्वान मन करत बड़ बहुत अमलात्मा विमलात्मा बड़ बड़ महान विभूति मान बस शुणुंत जहाँ को जगदगुरु पर मानिंट मन में कौन विकार आसनी सन्देह आसनी तुम्हें निजी को बहुत बड़ मन कर तेणु तुम ये प्रकार जो असदाचार तेणु तुम्हें सापर योग्य अभिशाप दे तुम असुर हो जाए कहले जितने से ओले आस प्रणाम कले माँ को प्रणाम कर संतुष्ट माँ कहले मुझे बड़ खुशी किसी कही ना मुझे बड़ खुशी कहीकि से चलीगले शंकर जी कहे देख लिष्णु भक्त प्रभाव कि प्रकार से चाहते तुम भी अभिशाप दे पार से चाहते तुम भी अभिशाप दे पार भी शक्ति थी किंतु विष्णु भक्त प्रभाव ताको स्वर्ग रख कि नरक रख तुल्यार्थ समदर्शन स्वर्ग नरकेश तुल्यार्थ समदर्शन भगवान भक्त लक्षण हो जेकोसी परिस्थिति रख तार भजन भल तो सी भल बास खुशी गले से ही भूतराशर होती युद्ध मैदान भितर से भगवान को स्मरण कर हरिभजन चमत्कार ये जो मैंने भजन सुख पाइने कौन परेश सहित से अवश्य भजन प्रतिकूल जो त्याग करने कहुई कि रहा व्यवस्था खाया व्यवस्था शोया व्यवस्था सब व्यवस्था से दैहिक सुख प्रति गुरुत्व दिखते सब परिस्थिति रही भजन करते हैं ये प्रभुत्राश्रम उधार होती वर्णना करीक्षित महाज प्रश्न थिला जितने से सुखदेव साई कौ कौ कहले ये प्रकार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हिरण्याक्षर भाई अच्छे हिरण्यकश्यप कि पु जो महान भक्त से पु को बहुत दंड दे शेष हिरण्यकश्यप निधन है भगवान अवतीर्ण होते परीक्षित प्रश्न कले ये कि प्रकार समय जगत रे पिता मात्र पुत्रपति बाछलता थाए एमती जगत रे को बापा अच्छा जे उत्तम पुत्र को ये विरोध कले आप कौन प्रहलाद जो परम भक्त एत बड़ उत्तम भक्त प्रति से बापा विरोध भाष कहीं सीट से आरंभ कले प्रहलाद चरित्र आरंभ कर हिरण्याक्ष संहार पर भातृहंतर प्रतिशोध परायण हो हिरण्यकश्यप कौन कले तपस्या करने घोर तपस्या कर तपस्या ये प्रकार तपस्या कले तपस्या सेत घोर तपस्या कर तप अग्नि मस्तक रू बाहर धूआ आकार ऊर्ध लोक पूरा जालीदेला पूरा सब ऊर्ध लोक सब तप्त हो गए पूरा तली गरम हो गला पूरा कहीं से गोटे गोड़े छुक तपस्या कर गोटे गोड़े छिड़ा होकर शेष शरीर पूरा पिंपुड़ी जंदा उई सब मंस चुण खाई खाली हाड़ा अस्थि कंकालटा था अस्थि कंकाल था तापर दिमक मान सब विभिन्न प्रकार मट्टी पूरा पूरे जंगल उई भिड़ ही गच्छलता ही मस्त घर ये जना पड़ना से तपस्या करड़ाई खाली शब्द ही शुभ खाली ओम 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 ये प्रकार घोर तपस्या कर सारा ब्रह्मांड कंपमान है ऊर्ध लोक सब उत्तप्त हो गले पूरा से असहिष्ट हो गले सब दौड़े पितामह पाक सी कह कश्यप नंदन प्रभाव ही मुझाऊपर ब्रह्माजी आसिले एमती तपस्या कर ब्रह्मा आसन टलमल हो गला आसी देखले शब्द कौड़ देखले किए तो ना देखले शब्द आखिले विराट से गुड़ गोटे पहाड़ भाया डालू भाया गच्छलता सब मड़ी से भितर शब्द आमंडल से सिंचन कले अमृत जल शेष गोटे दिव्य पुरुष प्रकट हेले जी कि हिरण्यकश्यप और तेजदीप्त शरीर पिता प्रणाम कले से वर मागिले ये अमर वर मागिले
ब्रह्मा कहले अमर बगर अमर वर मोर साध्य ना मु तो मरुची मुका अमर वर देवे मोर भी मृत्यु अच्छे ये बुले चलिए मागिले दिन में मरवनि रात मरवनि उपरे मरवनि बाहर मरवनि घरे मरवनि भितर मरवनि को बारे में मरवनि को मस मरवनि अस्त्र मरवनि शस्त्र मरवनि आपण सृष्टि कौन जीव हाथ में मरवनि ये सब अस्तु 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 कहले कहीं ब्रह्माजी जानते बेटा तू जिते चलाई कर मागिले मो प्रभु अच्छा से महा सी सब तो से पास सब मास्टर किए अच्छे तू जिते बड़ा ताला पकुच पका से खोलीदेवे बस अमगबर प्राप्त हो ब्रह्मा को प्रणाम करम कर ब्रह्मांतर्ध्यान होगापर घर को फेर दिग्विजय पर त्रिपुर विजय बर्तन एमती बर अद्भुत बर किए पाईना चलला तार आतंगराज हिरण्यकश्यप ये चलला ये मान वैदिक धर्म पर विध्वंसकारी आरंभ होगा गोमाता पर अत्याचार वैदिक विप्र मानक अत्याचार यज्ञ होम को बंद करागला वेद पाठ को सब बंद करागला वैदिक संस्कृति पूरा ध्वंस विध्वंस करागला सब से निजी के प्रतिष्ठा कले मु ईश्वर ताकू पूजा करागला बास सी सर्वे सर्वा समस्त प्रजा मानपरिक इंद्र भी पलायन पाती सब देवता खटिले पादरे देवता मैंने सेवा कले सब अद्भुत पराक्रम अमित पराक्रम से सारा ब्रह्मांड से राज कले से कि सारा जितने ऋषि मुनि संत महात्मा माने सदाचारी ब्राह्मण वर्ग से उत्तिष्ट हो गले अत्याचारी ताड़ित अत्याचारित हो से सब प्रार्थना कले भगवान भगवान कले अल्प दिन अपेक्षा कर जिते मोरी अंश जन जन्म हो मो परम भक्त जन प्रहलाद जी कूल जिते से महाभागवत अतिमर्त्य महाभागवत अनन्य भक्त से परम वैष्णव से प्रहलाद चरण जब अपराध कर सब पाप नष्ट पुण्य नष्ट सुकृति नष्ट सब तपस्या नष्ट तेणु भगवान भक्त को प्रकट करे प्रहलाद प्रति बाछल्य भाव रही था प्रहलाद बहुत भल ही पाते से चारिटा पुहत आह्लाद अनुलाद संलाद प्रहलाद किंतु चारि पु भितर तीन टा पु दत्य असुर गसुर प्रहलाद कि महाभागवत परम भक्त थे छोट समय दैवी संपद गुण देखाई गुण को वर्णना कर इंद्र सभार नारद जी कहे तार प्रहलाद जी गुण कौन कह विशेष गुण हूँ से अनन्य भाव श्री कृष्णकर शरणागत सी मान श्रीकृष्णकर अकिंचन भक्त अनन्य कृष्ण ही शरण तेणु भगवान पाखे जी पूर्ण शरणागत ताकि सब गुण थाए आउ कौसी गुण को एक्स्ट्रा वर्णना करा दरकार ना सारा प्रजा मैंने बहुत खुशी भी होते समस्त से सम्मान दे समस्त मित्र भाव देखुले पुत्र भाव देखुले पाठ ही पढ़ते स्कूल असुर मानक पाठ कौन दम सम दंड नीति भेद ये सब दि जाता मान लोक पाखर कि पैसा अर्जन टैक्स कर आदाय कर प्रभाव पड़ो से सब दमन कर रखा जाए यही प्रकार से पाठ प्रिंसिपाल हो शुक्राचार्य शुक्राचार्य दुटा पु षंड अमरक से पाठ पढ़ाऊँ लेक्चर होती कौन पढ़ाते ये तो परम भक्त विष्णु भक्त से पाठ ये शुणु थपटे बाहर करजे सब भगवान को चिंतन करते वर्ष है पाठ सरला छुट्टी आसी गुरुकूल से सम तो माँ माँ होती कयाधु जी क्लीलावती भी गोटे ना से श्रृंगार कर श्रृंगार कर बापा को जा प्रणाम करपा पाक आपा बस सिंहासन बस त्रिपुर विजयी हिरण्यकश्यप महामान्य पात्र मंत्री सभार पूरा सब भरा भरा अच्छा समस्ते तुतिवासन कर ये सीधा गले बापा चरण में प्रणाम कले जिते देखले चरण में कोमलतार स्पर्श होगा सी देखले पु छुटिया लाला प्रणाम कर कलाकृत कले चुंबन कले संभान कले कूल बस पचारे अच्छा अच्छा बच्च तुम कौन पढ़ी छो कहती केते पाठ पढ़ी थो हाँ बढ़िया पढ़ी कौन से कहे हे पिताश्री मो मत ये जो असत क्रिया सब कर उद्विग्न होपण समस्त टेंशन रु मुक्त होगापी उद्विग्नग्रस्त हवा अपेक्षा
निजर आत्मकल्याण करने अंधकूप सदृश गृह को त्याग कर बण को जा भगवान आश्रित हवा दरकार। हे असुरवर्ज्य शिरोमणि तत्साधु मन असुरवर्ज न श्लोक उठे समस्त उद्विग्न सदा असत विघ्न धियम असत उद्विग्न सब असत उद्विग्न जो असत क्रिया जो सब उद्विग्नग्रस्त होती हित्व आत्मपात गृहमंधकूप त्यक्त बनंग हरिंग गन आश्रय गृहमंधकूप को त्याग करी बन को जा हरि चरण से दरकार। अंधकूप शेष गृह ताकू कहला जो गृह कौन सी भजन होनी जो घर कौन सी साधु संतर पदार्पण होनी जो घर कौन सी गीता भागवत रामायण आदि वैदिक शास्त्र आलोचना होनी जो घर धूप दीप संज आरती नैवेद्य सुभोगरा किसी होनी जो घर खाली हिंसा देश परसिकता मत्सर्य खाली कुटी नाटी छंद प्रजल्प यही सब खाली ताड़ बाद भेदेश चलती से गृह अंधकूप कहगला अंधारिया कूप किंतु जो घर भजन हो पारमार्थी अंग हो घर को वैकुंठ कह गोलोक कह तेना अंध अंधेरिया कूप कह कहला जमी जंगल भितर गोटे कूँ अच्छी तापर घास छेली जाए से छागल जाए खाइबापी से जाने घास अच्छी धीरे धीरे कूँ अच्छी खाद्य लालसा जाए से कूँ भितर पड़ जाए खाद्य तो खाए घास तो खाए कूँ भितर पड़ जाए ये संसार भी प्रकार संसार गोटे कूप कहगला ये कूप भितर जो पड़ जाते उठा बड़ कष्ट तथापि से संसार जब कृष्ण संसार कर सदगति होती कृष्ण संसार कर छाड़ी अनाचार कृष्ण संसार करा दरकार अनाचार को छाड़ कर संसार कृष्ण को जब आम एंट्री करूने ताले आम पक्का संसारी करमफल भोगाप बाध्य तेणु कहले हे असुरवर्ज्य शिरोमणि पिताश्री आपण सदा ध्यम असत ग्रहित असत क्रिया कहीं करजर आत्मकल्याण करने बनंगत हरि आश्रित बन को जाए हरिंग आश्रित को पिता देखिले किए गोटे छुट्टिया कोमलमती शिशु तो आ मुंडा किए खराब कर दे तागिद कले लेक्चर को कहले बोधे कौन सी वैष्णव किए ये गौड़ी वैष्णव किए गोटे आसी जाइए बोधे तुम गुरुकुल एंट्री कर शिक्षा देता ना मो छुआ पिलाड़ बुद्धि दुर्बुद्धि किए पठेला आजिकल हो आजिकल किसी बाप माँ जो मैंने देखते ये मठ मंदिर जाना से बाबाजी पाक जाना दुनिया कह सी कौन हरिनाम करू भल पाठ पढ़े डर थाए का पड़े बाबाजी हो बाप माँ जार पूर्व भाग्य थाए ता पुत्र सन्यास हुए एक बुझुना जन्म जन्मर पर कते वंशर पूर्व भाग्य थे जन छाड़ी जीव भगवान पाक भगवान पाक जाइ रहा सहज नुहे एत सहज नुहे ये सब बड़ कष्ट ये ठीक नौटा जब हो साढ़े नौटा दसटा आप घर को मन पड़ो कते कथा टे माइंड अच्छे मन मजर पड़ु सब छाड़ी आसी रहा ये सहज ना कौन आज चिंता करते सब छाड़ घर द्वार जमी बाड़ी बापा माँ भाई भौणी साग साथी सब त्याग कर भगवान पर पड़ी रोह कि निजर बैलेंस नीचे नियो पिंधिया वस्त्र नियो समस्त गृहस्थ मान निर्भर कर भगवान पर भरोसा कर गुरुवैष्ठ अनुगत रही थोड़ा इस रहा सहज ना जमी सकृति ना हमने सब सहज पाठ नुह तेणु से कहते बोधे कौन सी तिलक नंडा मुंडिया तिलक दल बोधे प्रवेश कर गुरुकूल बोधे से मैंने अलक्ष छदमशी अच्छे से सब अशिक्षा दे तुम गोटे कम कर तागिद कर ये आसी बहुत षंड अमर का ने बहुत बुझेले प्रहलाद जी प्रहलाद सुना पिला पाठ पढ़ला किसी कहलानी कथा मानिगले जहाँ प्रश्न दे उत्तर दूर ठीक आउ थे वर्षे पर समर वेकेशन हो खरा छुट्टी आउ थे आसमें पचारमें कौन उत्तम पाठ पढ़ी से बढ़िया पाठ पढ़ले कहले भगवान भक्ति जो कराला सब उत्तम पाठ श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवण स्मरण पाद सुन अर्चन बंदन दर्शन सक्षम आत्म निवेदन इति पुंसार्पित विष्णु भक्ति से नव लक्षण क्रियते भगवत यथा तन्मन्य अधितम उत्तम कहले मोटू मुँह यह मन कर सब अधिक उत्तम पाठ हूँ भगवान विष्णु कथा शुणा कीर्तन करवा स्मरण करवा परिक्रमा करवा अर्चन करवा बंदन करवा स्तुति करवा आत्म निवेदन करवा ये सब उत्तम पाठ ये शुणला जो धरी कूल टेक फोपाड़ी कहे ये गोटे कूलांगाटा जन्म हो चंदन
दत्त चंदन वन सदृश दत्त वंश कहले दत्त्यकूल चंदन वन में ये गोटे बबुल कंटा गोटे जन्म होती कहले कंटाटा ये कंटाटा उपाड़वा दरकार आगे मार बिल कहले चलला टर्चर दुनिया टर्चर है सेल मराई बर्षा मराई हाथी चकूर मदन मत हाथी को दलदा चकुड़ी न्यूज अंधकार कूप भितर निक्षेप कराई झांझार हावार उड़ा जा बेकर पथर बांधि समुद्र फोपड़ा जा महाकाल सर्पर विष दी तापर जो हजार हजार बिच्छु सर्प सब अच्छा से निक्षेप करपर अग्नि भितर फोपड़ा जा विषपान कर दुनिया टर्चर दिखाई किसी है ना सब उधार कहीं भगवान को स्मरण कर भगवत स्मरण ये हूँ चमत्कार जिते विपद आसना कहीं भगवान को चिंतन कर सब विपद से उद्धार कर ये शक्ति भगवान सुदर्शन चक्र से सब रखिंट बार बार से रक्षा कै भक्त मान जिते जहाँ कले त्रिपुर विजय देखो जो हरिण केशवपुर ना शुणिले त्रिपुर प्रकंपित होता जार भ्रुकुटी नाचिले त्रिपुर विजय हिरण्य कश्यप तार छुट्टिया पिलाटा को मारी पार नहीं निज पु को पांच वर्ष बाड़क से तरह आश्चर्य होगा भाविले ये जदि न मर ताल बड़ हेल्ले मत मारद ये न मार बड़ हेल्ले मत मारद बुझिपानी भक्तर लक्षण भक्त कहीं मार भक्त प्रार्थना करिए दुष्ट स्वभाव तो पचल अरे प्रहलाद तू का बल बलिया तर किसी हो कहीं ये कह का बल बलिया मान आप निज सब बलवान मन करना अरे आपण को जे बल दी सारा दुनिया जहाँ बल जार शक्ति परिचालित सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ज्योतिष सब किसी जार ईशारे नाचुच्च से सर्वशक्ति मान सी किए ना ईश्वर से कौटी अच्छा सर्वे खोजुना ये खोजिला पूरा अनल अनिल अंतरिक्ष पूरा गगन सब तल अतल भीतल रसा तल मईतल पातल स्वर्ग भू भूव सब लोग खोजला पूरे विजय पूरा कौटी पाईपारे शेष खुशी खुशी नयंत आसिक कह प्रहलाद मु तो कथा मानुची तू निश्चय सत कथा कौच जानी तू मिछ कह तो कथार वास्तवता अच्छी जदि तोरी कथार सत्यता ताल मु सारा ब्रह्मांड खोजली कौट ईश्वर मिललनि तेणु मुझे भावुची बोधे मुहि ईश्वर तू मत मानि तो मोर झगड़ा खत मु बोधे ईश्वर प्रहलाद हसिले कह तुम लज्जाटे लगे अरे तुम भितर थ क्रोधटा को तुम जय कर तुम्हें कि त्रिपुर विजय आर ईश्वर कौच तुम भितर थ क्रोध को लोभ को काम को तुम जय कर पार न तुम्हें कौ त्रिपुर विजय चिंता कर भितर थ क्रोध को से जय कर पार तुम्हें त्रिपुर विजय पूरा मुहतोड़ जवाब पूरा अच्छा कह से ईश्वर कौटी अच्छे कहे सर्वत्र अच्छा कौन ये अच्छा हाँ ये अच्छे खम्बर अच्छा खम्बर अच्छा मल्ला कहते प्रहार कर खम्ब को रात दरबार भितर जितने कहे हाँ ये अच्छा प्रभु अच्छा खम्ब को गदा प्रहार कर सीट प्रकट हेल्ले भगवान पूरा अदृश्य अद्भुत रूप मुद्वहन कहला स्तंभ शवांग मृगंग मानस अद्भुत अदृश्यम रूप मुद्वहन अदृश्य रूप मान जाऊ किए देखी ना अद्भुत रूप से प्रकट हेला स्तंभ भितर सभा भितर स्तंभ शवांग मृगंग मानस मृग ना कि मनुष्य ना ये सत्य विधात निज भृत्य भाषा व्यक्ति चक्लेश भूति सक्लेश चात्मना सत्यं विधात निज भृत्य भाषित निज भृत्यर भाषित मान भृत्य जहाँ कहले साकार रूप देवाई भगवान कौन कले स्तंभ स्तंभर भितर मृग सिंह और मनीष रूप धारण कर अद्भुत रूप से प्रकट हेले जो अखिल भूत भूत जे रही अंतर्जमी रूप से भगवान प्रकट हो गले से कौटी नाते जो विकटाल गर्जन कर प्रकट होती से चक्र खाईला कि हिरण्य कश्यप घूरला पूरा शब्द कौटे आसा किस समय पर स्थिर पर देखले शब्द तार पश्चात पर देखले से अद्भुत रूप ता जीवन देखने से पछु घुंची गला से सहित चलला संघर्ष चलला युद्ध चलते सीटी हिरण्य कश्यप से संहार कर प्रहलाद हाथ जोड़ी छिड़ा हो ताकि संघर्ष कले ठाकुर जी कौन कले युद्ध करें आसे पका नहीं आस से कौन दी घर मझीरे जंघ ऊपर रखिले जंघ पर रखी तार शुआई देखू बल सब नष्ट कर
ସେ ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ମରିବା ଉପରେ ଖାଲି ଏବେ ସେ ଭାବୁଛି ଏ ସତରେ ମୋତେ ମାରିଦେବ ନା କ'ଣ କାରଣ ତା'ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଳ ଉପରେ ବଳ ଅଛି ନା ତଥାପି ତା ଲଲକାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ତାକୁ ଚାପିକି ରଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ଦେଖି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁ ବର ମାଗିଥିଲୁ କ'ଣ ଦିନରେ ମରିବୁନୁ ରାତିରେ ମରିବୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେ ଦିନ ନା ରାତି ଦେଖିଲା ତ୍ରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଗୋଟେ ବର କଟିଗଲା ଅଧା ଟିକେ ବଳ କମିଗଲା ତୁ ବର ମାଗିଥିଲୁ ବାହାରେ ମରିବୁନୁ ଭିତରେ ମରିବୁନୁ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି ବାହାର ନା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ଦୁଇ ଘର ମଝିରେ ଏରୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଅଛି ଘର ବାହାର ନାହିଁ କି ଘର ଭିତରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବର କଟିଲା ତୁ ବର ମାଗିଥିଲୁ କ'ଣ ଉପରେ ମରିବୁନୁ ତଳେ ମରିବୁନୁ ଦେଖ ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଦେଖିଲା ସେ ଉପରେ ନାହିଁ କି ତଳେ ନାହିଁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଅଛି ସେ ଇଏ ବର ବି କଟିଗଲା ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବର ମାଗିଥିଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡନ ହେଉଛି ତାପରେ ତୁ ତୁ ବର ମାଗିଥିଲୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମରିବୁନୁ ନଖ ଦେଖେଲେ ଏଇଟା ଦେଖେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁକି ନଖରେ ତୋତେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ତାପରେ ବର ମାଗିଥିଲୁ ତୁ କୌଣସି ବାରରେ ମରିବୁନୁ ଯେଉଁ ବାର ମାସ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କି କୌଣସି ମାସରେ ମରିବୁନୁ ଦେଖ ଏଇଟା କି ମାସ ପୁରୁଷ ମାସ ମଳ ମାସ ତେଣୁ ଅଧିବର୍ଷରେ ପଡ଼େ ସେଇଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଯେଉଁ ମଳ ମାସ କୁହାଗଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ଯେଉଁ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ ପୁରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ମାସ ସେ ତାକୁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ମଳ ମାସ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଭୌତିକ କ୍ରିୟା କରିବା ମାନେ କିନ୍ତୁ ପାରମାର୍ଥିକ ଅଙ୍ଗ ଯାଜନ କଲେ ବହୁତ ଫଳ ମିଳେ ସେଥିରେ ଜପ ତପ କରିବ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ତାପରେ ବର ମାଗିଥିଲୁ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ଜୀବ ହାତରେ ମରୁନୁ ଆରେ ମୂର୍ଖ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇ ରୂପଟା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅଧା ସିଂହ ଅଧା ମଣିଷ ତାପରେ ଠାକୁର ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତାକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଅନ୍ତର୍ନାଡ଼ି ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି ଲଲକାର କରିଛନ୍ତି ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତ ହେଇନି ତାପରେ ତାକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣକୁ ଫୋପାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ରକ୍ତମୁଖା ହେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ତାଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଲୀଳା ତ ସମାପନ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ଆଜି ଦେବତା ନ ଆସିଲେ ସେ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ କେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେନି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର କୁବେର ବରୁଣ ସବୁକି ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି କାହାରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟିଲେ ସେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯିଏକି କୃତାନ୍ତ ଦଣ୍ଡା ମାନିଥିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁମରି ପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରକଟିଛନ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ଆସ ସେ ଆସି ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଚୁମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି କୋଳ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁନି ତା ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇକି ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନରସିଂହ ସିଂହ ଶାବକ୍ୟ ସିଂହକୁ ଭୟ କରେଇକି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନା ଭୟ କ'ଣ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ଦେବତାମାନେ ସବୁ ସତ୍ୟଗୁଣର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣରେ ସତ୍ୟଗୁଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେବତାମାନେ ଆପଣ ସ୍ତୁତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୈତ୍ୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ପାଠଶାଠ ସେତେ ପଢ଼ିନି ମୁଁ ବୟସ କମ୍ ମୋର ନା କୂଳର କୌଣସି ଅଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି ନା ପାଠ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ ଅଛି ନା ବୟସ କିଛି ଅଛି ତମଗୁଣ ରଜଗୁଣ କୂଳରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଦୈତ୍ୟ କୂଳରେ ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣ ସ୍ତୁତି କରିବି ନା ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମନେ ଧନା ବିଜନ ରୂପ ତପ ଶ୍ରୁତୌଚ ତେଜ ପ୍ରଭାବ ବଳ ପୌରୁଷ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗା ନାରା ଧନାୟ ଭବନ୍ତି ପରସ୍ୟ ପୁଂସ ଭକ୍ତ୍ୟା ତୃତୋଷ ଗଜ ୟୁଥ ପାୟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦୈତ୍ୟକୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ୟଗୁଣର ସମ୍ପନ୍ନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବଟା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯଦି କିଏ ମନ୍ୟ ଧନାବି ଧନ ଦ୍ୱାରା ଧନାବି ଜନ ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମାପ ଧନ ଥାଉ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେନି ଜନ ବହୁତ ଲୋକ ଶକ୍ତି ଥାଉ ଲୋକ ପାବାର ଥାଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତା ପଛରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଜନସଙ୍ଗଠ ଥାଉ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି ମନ୍ୟ ଧନାବି ଜନ ରୂପ ଅସାମାନ୍ୟ ରୂପ ତା ପାଖରେ ଥାଉ କନ୍ଦର୍ପ ଭଳିଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଥାଉ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତିନି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତିନି ମନ୍ୟ ଧନାବିଜନ ରୂପ ତପ ତପସ୍ୟା ବହୁତ ବି ତପସ୍ୟା କରିଥାଉ ସେ ତପସ୍ୟାରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି ମନ୍ୟ ଧନାବିଜନ ରୂପ ତପ ଶ୍ରୁତୌଜ ଶ୍ରୁତ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ ବହୁତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଉ ବା ଗୁଗୁଲି ଗୁରୁ ହୋଇଥାଉ ଯେତେ ବଡ଼ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାଉ ଜାଗତିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତଥାପି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ
आपण से प्रसन्न करि परियोनि तेज तार तेज तेज भी थो तार ब्रह्म तेज थो विभिन्न प्रकार तेज तपस्या तेज थो तेज द्वारा भी नहीं बल द्वारा नहीं कौन से पुरुषार्थ द्वारा नहीं प्रभाव द्वारा नहीं बुद्धि द्वारा नहीं कौन से योग द्वारा नहीं जिते सब थे धन जन तपस्या बल पुरुषार्थ बुद्धि योग विद्या रूप यू द्वारा आप केवे संतुष्ट हमें प्रभु नाराधनाए भवंती पर से पंसा आपण को आराधना कले आप संतुष्ट हमें मुझे जाने प्रभु आप सभा भक्त तुतुष गजयुत आप भक्ति द्वारा संतुष्ट हमें महाराज बस भक्ति जा हृदय थे आप संतुष्ट हे खाली से नुह दीषड गुणायुतादर बिंद पदार बिंद विमुख सपचंग वरिष्ठ गोटे बढ़िया श्लोक कहते ये जो ब्राह्मण माने ब्राह्मण जो माने दीषड गुण अधिकारी षोल गुण पाखे दीषड गुण अधिकारी युक्त ब्राह्मण माने भी जदि से आपण चरण विमुख हूँ से माने बरंग निजी को उद्धार करी पारंतनी किंतु सपोच कुलोद्भूत सपोचंग वरिष्ठम चंडाल कुलोद्भूत व्यक्ति जदि तार मन द्वारा प्राण द्वारा सब किसी से आपन को समर्पित होती तार सीता कुल को उद्धार कर दिए प्रभु तेणु कहला न तु कुलंग भूरी मान कुल ना आपन को आपण को संतुष्ट करने कौन से अभिजात्य दरकार नहीं कुलीनता दरकार नहीं कौन रूप विद्या किसी दरकार ना प्रभु तेणु आप स्वभाव मुझे जाणी ये से भाव में आप स्तुति ठाकुरजी बड़ प्रसन्न कल रे प्रहलाद तू मत क्षमा कर दे कहीं ना मोर आसवे डेरी होगा टी मु बहुत जो दिन तौर अत्याचार होना से दिन मु प्रस्तुत होती आसवापी किंतु तू डाक नु कि रक्षा कर डाक नु सब स्मरण कर तार हरिनाम करुवर किंतु प्रकट कि तो मुखर गोटे शब्द बाहर नाला जिते तो पिता प्रश्न कले तो ईश्वर कौन ये अच्छा तू कौन कह हाँ ये अच्छा बस यहाँ मत मिलगला सुजोग मिलगला सत्यंग विधातंग निज भृत्य भाषित निजर भृत्य निजर भक्तर भाषित तेणु मो भक्तर बाणी को साकार रूप दे प्रकट होगी ना तो मुझे पूरा पूर्व प्रस्तुति थी तेज रक्षा करने भगवान के स्वभाव को देखते कहल मुझ पूर्व गेट अफ श्रृंगार होती थी तो रक्षा करने कि मुखर सब आसन तो जो तू कह हाँ मो प्रभु ये अच्छा बास मत सुजोग मिलगला तो कथा को साकार करने तथा टी डेरी मत क्षमा कर दे तू कौन चाहु कह ये कह मत कि दरकार ना अरे माग कि कह प्रभु सेवक ताकू कह जाए जो मैंने निष्कपट सेवक भगवान कर सेवा कर जदि किए भगवान पर किसी चाहे तो सेवक को आज वृत्य को आज बणी के गला महाराज से बणी को व्यवसाय होगा बिजनेसमैन होगा सेवा कला किसी मागिदेला तेणु हे मोर निरपेक्ष मालिक मो आप निष्कपट सेवक से मालिक को आज से भगवान को आज जे तार सेवक को निष्कपट सेवक किसी देवाई चेष्टा कै ठाकुरजी को मत बाणी प्रस्ताव कर प्रहलाद जी आप मोर निरपेक्ष मालिक मु आप निष्कपट सेवक मो भर कौन कपटता ना निष्काम बस सेवकर धर्म जी खाली आप सेवा कर सन्तुष्ट हो ठाकुर जी खुशी हो गले तथा ठाकुर जी की इच्छा से आसे जगत को भगवान अंतर्धान पु होती विरोचन विरोचन को पुहचे बली जो बली बामन देव प्रकट होते एक प्रकार प्रहलाद महाराज का चरित्र बोल प्रहलाद महाराज की नरसिंह भगवान की नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाइने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटक नकल इत नरसिंह परत नरसिंह यत
यतयामित तनसिया वही नसिया हृदय नसिया नरसिया मादिं शरणं प्रपादे कमल बरे नाकुत सिंगम दलित हिरण्य काशी पूतन भृंगम तब कर कमल बरे धन भृंगम केशव द्रुत नरसिंह रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे द्रुत नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे सरकार की प्रह्लाद महाराज की जय जय श्री राधे। सत्य जुगर कथा बनना करे छी
क्षीरसागर गोटे पर्वत सेठी त्रिकुट पर्वत त्रिकुट पर्वत विराट का तार विस्तीर्ण जंगल से बर्णना करे सेठी उद्यान सब रही कुंवर जी वरुण जी सब सरोवर से देवागन देवागन मान स्नान करती रमणीय स्थान देवता मान विहार स्थल से जंगल भितर जन रोते हस्तिराज रोते गजराज जहाँ कह जाए निजर पर सहित हस्तिनी मान सहित रोते सी थे निजर पर सहित सब सेनापति मंत्री सब सहित सी आस मदनमत आसोवर स्नान करने स्नान कर पूरा उपभोग कर जल क्रीड़ा कर परिवार सहित भगवत ईशार कौन हो विराट कुंभीर गोटे ग्राह गोटे चरण को धरी निज उदाहरण लीला कह जाए या समय बहुत दिन बीतीगला सहित संघर्षरत किंतु जलर कुंभीर शक्ति बेसी धीरे धीरे गजराज चिंता करे रक्षा कर धीरे धीरे ता स्त्री ता पुओ ता परिवार ताठू दूरे गले संसार ये आज्ञा विपद पड़े कई दिन रे पाखे किस दिन रे चेष्टा कले देखले बचार रास्ता ना बर आपे बचले बापार ना चलने सब छाड़ छाड़ दे पड़े गजराज कथा कौन कहे द्वारका देखु ना कृष्ण जो सामंतक मणि खोजाप गले से गुंफा भितर प्रवेश कले युद्ध कर से भितर युद्ध भी होने पर साथी किसी जा किए किए से देखले ठाकुर जी युद्ध कर रक्त प्रवाहित होगा एम कह मरीगले बोधे बंद कर पथर मान से गुंफाटा बंद कर पल आसले मैंने भगवान पाखे भी थी मत एक प्रकार लीला भी हो संसार आपको कुआ गला सब निजर स्वार्थ रोचे तेणु गजराज पाखे कई रही सब छाड़ पलैले प्रथम स्त्री ता पु तार पात्र मंत्री कल ये तो मरिय आम कहीं मरिया प्रमाण करोना देखेला ना करोना जो आसला छुट्टिया गोटे पोक गोटे भाईरस से देखेदेला स्त्री दाम्पत्य जीवन में पिता पुत्र संबंध कमी स्वामी संपर्क कि प्रकार माने डिस्टेंस मेंटेन्स करागला चिंता करूँ कि भगवान कहला ए कौन अच्छे किए क्या छुईले सब दूरे गले बापा मल तो पु स्पर्श कलानी मरीज अजे स्वयं मल मत स्त्री स्पर्श कर यूट्यूब तो गोटे बढ़िया जिनस देखे गोटे स्त्री स्वामी को परेषण कर बेलड़ा तो गोटे दी हाथ अच्छे बाडी गोटे लगे गोटे दी हाथ र दूरे दौर दस हाथ दूर तो परेषण करोना पलास ना मान दस हाथ दूर से बेला बेला सहित बाडी गोटे बांधी से परेषण कर जीवन आज्ञा देख कि संबंध जहाँ को नैसर्गिक संपद मान संबंध कह जाए शास्त्र भूरी भूरी प्रशंसा कर दाम्पत्य जी संबंध कितनी गोटे बाहर से आसला प्रमाण करला ये कई कारण ना तथापि आम सचेतन हो नहीं तो दुर्दैव मान तथा जगृत हो पारे जो गजराज निशा देखले से कौन कले जगदीश रक्ष जी निराश्रम जगदीश रक्ष से भगवान को स्मरण कले पद्म पुष्प उत्तोलित कर स्तुति कले टाइम स्तुति करा द्वारा ठाकुर जी प्रकट हेले ठाकुर जी प्रकट है गजर को उद्धार कले कुंभीर को चक्रपेशी नकर नाशी उधारा आपण से कुंभीर हो कि हु गंधर्व थी पूर्वजन्म सी बड़ दुष्ट स्वभाव टी भल कि ऋषि तपस्या जलर गायत्री कर जलर बस गायत्री करते ये सी छोटिया छुआ छोटिया बयस अल्प बयस जाइंट पा भितर बुड़ी बुड़ी जा ऋषि चरण टाणी से गायत्री कर गायत्री भग ना देखले किए देखले कुंभीर भाया देखले तो आर जन कुंभीर जा अभिशाप देदे ये जो गजराज थे ये पूर्वजन्म इंद्रद्युम्न राजा थे भगवान भक्त ये राजा थे राजपाट सब छाड़ीदे छाड़ी जंगल को गले राज कार्य किसी कले
जंगल जाए जटा फटा धरिकी सब बसले बस आश्रम कर रही सही भगवती छाड़ा अगस्त ऋषि आए देखिले गोटे राजा राज्य पालन कराया कथा अतिथि सेवा कराया कथा विभिन्न प्रकार रही गृहस्थ धर्म रहा कथा आर समय आसने सब छाड़ पलि ये बस तपस्वी मन पड़ा जटा फटा रखी भजन कर अभिशाप दिला गज भाया बस गज है जा तापर जो प्रार्थना कले से कहले ना ठीक अच्छे भगवान कुंभ ए प्रकार आसे भगवान लीला हो तुम रक्षा करिए गज मुख्य लीला है वर्णना कराई विशेषकर बलि महर्जी शुक्राचार्य गुरु कृपार बलि महर्जी भगवान भक्त भी थे कि शुक्राचार्य ये बड़ शक्ति प्रति कृपा थी सी अमोघ अमित पराक्रमी हो गले सी ताकि प्रभाव में इंद्र मध्य राज्यच्युत हो गले कहीं बलि महाराज जी कि प्रहलाद नाती कहु वीरचंद को पोषे बलि महाराज बोध अंगीरस गोत्र ब्राह्मण मान बड़ कृपा थी ब्राह्मण भक्त थी सी आशीर्वाद था प्रति आ गुरु कृपा थी तेणु जो इंद्र भी राज्यच्युत हो गले सेत भगवान को समस्ते प्रार्थना कले भगवान करे कौन अपेक्षा कले समय आसल कहीं ठाकुर जी मत चिंता करा पड़ा कौन कर देखो भगवान असम अकर्तु अकर्तु अन्यथ कर्तु जो समर्थ स भगवान असंभव अभिधान ना कि बाम ए बलि महाराज कि प्रकार तो मारी पारे ना कहीं मारी पारे प्रथम कथा प्रहलाद को से बर देते मुझ तुम वंश मारे वंश द्वितीय कथा आंक प्रति गुरु कृपा अच्छी विशेषकर ब्राह्मण मान आशीर्वाद अच्छी तेनाली तो तपस्या शक्ति ये रही आशीर्वाद शक्ति ये मारी पारे भगवान क्या धर्मरक्षक से जोटी गुरुजन मानक विप्र सत महात्मा आशीर्वाद जहाँ अच्छी दुनिया किए भी परास्त कर पारे भगवान तो करें मान कथा छाड़ तो कई करेंगे तेणु से छल करना एपटे कौन हो इंद्र तो राज्यच्युत हो गले अदिति जी कि देवता मान से कश्यप को प्रार्थना कले जमी मो पु को इंद्र को राज्य बसा दरकार कश्यप कहे ये तो संभव नुहे तेणु से गोटे पुंसवन व्रत विधि गुड़ी कले विधि पालन कर विभिन्न प्रकार नियम रहीबले से प्रकट भगवान चाहिए शक्ति आसो से विधि पालन कले ठीक मुहूर्त बामन देव प्रकट हेले बोल बामन महाराज की देखापी छोटिया बामन देव बड़ अद्भुत शरीर छोटिया बटु रूप से समस्ते सब ऋषि महामुनि आ समस्ते तुति भी कर समस्ते किए कौन सब दे प्रदान कर धरती माता आरंभ कर बृहस्पति आरंभ कर समस्ते प्रदान कर किए कमंडल किए उपवीत किए कौन सब छत्र दान कर सुशक्ति एपटे बलि महाराज अमोघ यज्ञ आरंभ कर यज्ञ जदि से सफलता हो पारे तो मृत्यु हो ना बोधे परास्त हो ना ये समय भगवान कौन कर देखले तो बलि की तो परास्त कर सम्मुख युद्ध संभव ना क्या प्रति जो कृपा अच्छी गुरु कृपा विशेषकर विप्र महात्मा जो कृपा रही बलि को सी परास्त करें धर्मरक्षक धर्म को सब पालन करती अमर्यादा करती सी ये गले छल कर त्रिपाद भूमि मागिदे तीन पाद भूमि मागिले जाचज्ञ रूप जाचक रूप से सी तो बस दान तो यज्ञ कले दान तो दिजो देखले बढ़िया सुंदर रूप धारण कर ब्राह्मण देवता बास उपवीत छत्र धारण कर वज्रबट रूप कमन रूप कौन नब कहले सरकार मत कि दरकार नहीं तीन पाद भूमि दे दियो से हसिले बलि महाराज कहले मन मन भाविले ये रूपटा छोट बुद्धि छोट ना कौन कहले तुम बोध भूली जाइ तुम क्या पग आस अरे शशागरा धरती एकांग्रवर्ती सम्राट बलि महाराज तुम आस मगुच आमर से कौन आमर एमती आमर इतिहास अच्छी आम जहाँ को थे क्या किसी दौ तो सी जीवन का हाथ पत कहले कथा ये प्रकार प्रहलाद वंश कह जाचे आपण मुखर एक कथा शोभा पाए
ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମାଗିବିନି, ମୋ ତିନି ପାଦ ଦରକାର, ମୋର ରୂପ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କ'ଣ କରି ତିନି ପାଦ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲେ ତ ଦେବେ କହିଲେ ହଉ ଆଉ ଦେଇଦେବା ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ ସଂକଳ କରିଦିଅ। ଇଏ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ସଂକଳ କରି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଦେଲେ ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁଣ୍ଡ ଆସିଛି। ସେ କହିଲେ ଏଇ ଭୁଲ ତିନି ପାଦ ଜମିକି କାହୁ ମାଗିଛି, ତିନି ପାଦ ଏଡ଼ିକି ଲୋକଟି ଲୋକଟି ପାଦରେ ଚରଣରେ କ'ଣ ନବ, ସେ କ'ଣ କରିବ, ତିନି ପାଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ମାଗିକି ନେଇଯିବ, ତୋଠୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯିବ। ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଶୁଣିଲେନି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯଦି ଆସି ଯାଚକ୍ୟ ରୂପରେ ଯାଚକ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେବାର କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ନା। ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ କରୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନୁରାଗ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଲୋଭ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେ ଶଙ୍ଖର ସେ ଅଗ୍ର ଯାଇ ରହିଗଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମର ଉପରେ। ଠାକୁରଜୀ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ କୁଶ ଗୋଟେ ଭିତରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଆଖିଡ଼ା କଣା ହେଇଗଲା, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଦିନରୁ କଣା ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଣି ପଡ଼ିଲା ସେଠି ସଂକଳ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ପାଦରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଧରତୀ ସବୁ ଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁ କିଛି ନାପିଦେଲେ, ସେ ଦୁଇ ପାଦରେ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ପୁରା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ପୁରା ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ସେ ଗୋଟେ ପାଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ପ୍ରକାଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚରଣରେ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ, ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି ପାଖରେ। ଇଏ କଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତୃତୀୟ ପାଦ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନା, ନାଭିରୁ ବାହାର କଲେ ଗୋଟେ ପଚାରଣ ଗୋଟେ ରଖିକି ଗୋଟେ କହିଲେ ଆପଣ ମୋର ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋର ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋର ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମୋର ଥିଲା, ମୋରଟା ଆପଣ ନେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି ନା, ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏଠୁ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ମିଳେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଯାହାକୁ ସଂସାରର ବନ୍ଧନ, ଇଏ ମୁଁ ଆଉ ମୋର, ଇଏ ହେଉଛି ସଂସାର ରୀତି, ସଂସାରୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ମୋର ଭିତରେ ମରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋରକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ଭାଗବତରେ କହିଲେ ମୁଁ ମଲେ ମୋତେ ପାଇବୁ, କେମିତି ମୁଁ ତା ଅର୍ଥ ଅଙ୍ଗଭାବ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଦର୍ପଣ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରକାର ବୋଲି ମହାରାଜ ତାପରେ ଭଗବାନ ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ବି ଦେଲେ, ନେଲା ପରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବି ସେଠି ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଠିକ୍ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜଣେ ମହାଭଗତ, ଦେଖ ଇଏ ସବୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ତୁମେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଲେ, ସେ ତ ସବୁ ଦେଇଦେଲା ନା, ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଧାଗଲା, ସେ ମୋର ବୋଲି ଯେଉଁ କହିଲେ ନା, ଏ ଅଭିମାନଟା ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ, ଜଗତରେ କାହାର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଉପରବାଲାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୋର ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ଏ ଯେଉଁ ମୋର ଅଭିମାନ ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଧାଗଲା। ବଳିଙ୍କ ଶିଖରେ ଏଇଆ ମିଳେ, ଆମମାନଙ୍କ ଗତି କ'ଣ ନବ କୁ, ଆମେ ତ କିଛି ଦେଉନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତଥା ମୋର ବର କହିକି ମରୁଛେ, ଆମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଲେ, ଦେଇକି କହିଲେ ମୋରଟା ଆପଣ ନେଲେ, ମୋର ନେଲେ, ଏତିକି କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ରହିଗଲା ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଅଭିମାନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ପୁରା ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃପାଳୁ ତାଙ୍କୁ ସୁତଳ ଲୋକ ପଠାଇଦେଲେ, ସୁତଳ ଲୋକର ରାଜା କଲେ, ରାଜା କରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ର ସୁତଳ ଲୋକରେ ଏ ପ୍ରକାର ରାଜା ସେ ହେଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ବି ସେ ରାଜ୍ୟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଲଳାୟିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଏତେ କୃତଜ୍ଞ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ସବୁକିଛି ଦେଲା ମୋତେ, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବାସ୍ତରେ ଋଣୀ ହୋଇଗଲି, ମୋର ତ ସେ କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିଲା, ସିଏ ତା'ର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଇଏ ବଳରେ ଉଠିଥିଲା, ଖାଲି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷପାତି କରି ସପକ୍ଷ କରି ମୁଁ ଏସବୁ କରିଲି, ଛଳ କରି ନେଇଗଲି, ଛଳ ଏସି ବିକ୍ରମଣୀ ବୋଲି ମଧୁତ ବାମନ, ଛଳ କରି ମୁଁ ତାଠୁ ନେଇ ଆସିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ହେଲାନି ଏଇଟା। ତେଣୁ ସେ ଋଣୀ ହେଇଗଲେ, ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସୁତଳ ଲୋକରେ ସେ ବଳି ମହାରାଜାଙ୍କର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଜେ ଦ୍ୱାର ପଳାଇକି ଠାକୁରଜୀ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଗେଟ୍ କିପର ହେଇକରି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ନାହାନ୍ତି, ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ନାରଦକୁ ପଚାରିଲେ, ନାରଦ କହିଲେ ଯାଉନ, ସେ ସେଇ ଦ୍ୱାର ପଳାଇକି ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ଆସିଲେ, ବଳିକି ଭାଇ ବୋଲି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ରାକ୍ଷୀଟା, ଭାତୃ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଦେବତା ଦେବାଙ୍ଗନା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଳିଆ କରି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ବଳି ବାହାର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଇଏ କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର ନା, କ'ଣ, ତୁମ ଦ୍ୱାରପାଳଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ଦ୍ୱାରପାଳଟା ନେବ କ'ଣ କରିବ ନା, ମୋତେ ଦିଅ। ସେ ବୁଝିପାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କିଏ କୁହନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପଡ଼ିଗଲେ ଚରଣଥିଲେ, ବା ଇଏ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ଏମିତି ଭଗବାନ ବାଛିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀ, ସବୁ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଯେଉଁ ଦାନ ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଦେବା ପାଇଁ
निजक बिक्री कर द्वारपाल हो रही शेष वर्षे पर्यंत ये प्रकार ठाकुर जी तांकर भजन कर भजन करिया बोल बोली महाराज की कृष्ण के तो जन्म हे तापर बर्णनाप कर आज टी पंद्रह कोड़े अधिक हम कृष्ण जहाँ जन्म करा पड़े बेल फुट आजा फाटिज नापर बर्णना कराई विशेषकर सर्जात बोली जन राजा थे जेकि कन्या हो सुकन्या से जाती चेवन ऋषि आश्रम को जाती चेवन ऋषि आश्रम बुल्च्च सखी मान सहित सहस्त्री मान सुकन्या बुल्च्च सर्जात तापरे धीरे धीरे देखागला गोटे विराट उयुंका अच्छी उयुंका भितर कि शब्द शुभुनि खाली दुईटा ज्योति देखा चिक 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 देखा ये कन्या सुकन्या राजकुमार ये कौन करते बाली स्वभाव चपल ये कौन कले गोटे कुश गोटे बाहर कले से कौन छिद्र भितर पड़े से भितर फुटीगला से रक्त बाहर ये समय कौन होती सर्जात राजा जैसे पात्र मंत्री सब थे समस्त मलमूत्र बंद हो गला सब पूरा सब सब परिसरा बंद मल बंद हो प्रकार दुर्दीन अवस्था था से बुझीपाले कि विपद हो पचारे तुम्हें किसी अन्याय करपराध कर क्षति कर चेवन ऋषि आश्रम समस्ते मना कले कि सुकन्या कांदी कांदी कहले हाँ मुझे मुझ भूल कल ए प्रकार जा अज्ञान सारे कली राजा कहले हाय हाय के बड़ अपराध हो गला से जा स्तुति कले बहुत वंदना कले प्रार्थना कले चेवर्ण ऋषि कहले हाउ ठीक अच्छे से महान क्रोधि सी सन्तुष्ट हो गले कहले ठीक अच्छे तो कन्या को छाड़ दिए पला सुकन्या बाहर करदे से राजा अति सतर्पण से गले सुकन्या कौन ये गोटे बुद्धिमती थे श्यामी सेवा कले देखापी वृद्ध सी दटा जटा ये सीन जीन शरीर तथा सेवा कर पूरा प्राण देखिए सेवा कर किसी दिन पर अश्विनी कुमार अश्विनी कुमार राजवैद्य अश्विनी कुमार चेवन ऋषि अनुरोध रे पूरा राजकुमार होती पूरा पूरा राजकुमार होती बिहार करपा भी आसजाती बापा ए सुकन्या बापा आस देखी गोटे राजकुमार पाखे बस बहुत तिरस्कार कर चिन्ही पार विभिन्न प्रकार एपट कथा कौन कन्या कह ना ये से ही मो जीवन ऋषि तपस्यावल प्रकार होपर वर्णना कर अम्बरीश महाराज चरित्र जी दुर्वासा ऋषि जहाँ दुर्वासा एत बड़ महान कोपी महान तपस्वी जो अम्बरीश को रक्षा करने जो अम्बरीश चंद्र अपराध भूल हो गला जहाँ को सुदर्शन चक्र गोड़े आपंते एकादशी महात्म्य निष्ठार सहित एकादशी पालन कर अम्बरीश महाराज ये प्रकार अन्य अन्य भक्त थे निजे राजा ही निजे झाड़ू करते मंदिर में निजे राजा ही निजे रोसई करते ठाकुर निजे राजा ही ठाकुर को फलमाला निजे तैयारी करते निजे श्रृंगार करते निजे राजकार्य बुझुते कि निजर अंतपुर रोते मंदिर भितर शयन करते ये अद्भुत महात्मा को हाला जी तर समस्त अंग द्वारा ठाकुर जी को सेवा करते प्रकार निष्ठा देखी भगवान पाखे सब वशीभूत कर दुर्वासा महर्षि आसते एकादशी दिन पर दिन पारण हम द्वादशी पारण समय से आसे जा जमुना स्नान करवाई एपटे पारण समय होारण नक व्रत भंग हो पारण जब करवा दुर्वासा प्रति अपमानित हो अपराध हो कहीं अतिथि आद्य आपायित न कर भोजन कर ठीक नुहे कितु यही प्रकार दुर्दीन समय कौन है पारण समय गड़ी गुड़ जाऊे करे कौन एकादशी तो निष्फल हो पात्र मंत्री द्वारा सब परामर्श कर शास्त्रानुमोदित भाव देखाला ना जल जदि पान कर जल भी खाद्य जल भी पानी तेणु चरणामृत टे पाईदे बास किंतु ए दुर्वासा जापारे आसी पूरा फटकारे गाड़ी कले तू राजा राजार अभिमान आसी अरे गृहस्थ धर्म हो अतिथि साधु सन्त सेवा करवा कथा सेवा नक तू भोजन कलु विभिन्न प्रभाव कले से निजर कृत्या नाम राक्षस जटारू बाहर कले निक्षेप कले अम्बरीश मारे बोली से गला मारे अम्बरीश पछपट सुदर्शन प्रकटले सुदर्शन तो कृत्या को जाड़ीदे दुर्वासा गोड़े दुर्वासा दौड़े ब्रह्मलोक शिवलोक स्वर्ग भू भू जिते सब लोक सुदर्शन तेज रे पूरा तेजियान से पूरा जोड़ी तक देह पूरा जोड़ू से सीधा गले विष्णु लोक पाखे समस्ते कहले अरे विष्णुकर तेज आसी किए रक्षा कर शंकर जी पूरा बस भजन कराया बसले ब्रह्मा पूरा क्वाट बंद करदे किए रक्षा कले से सब निराश हो चलने विष्णु विष्णु चरण में पड़गले प्रभु आप कौन कर प्रथम से सुदर्शन टी कहत तेजरा बंद करदे मुझे जोड़ी मरीगली मो देह पूरा जलुची ये कले से मो कथ शुणी आप कथा शुणी ना आप शक्ति हाँ मो शक्ति मान से शक्ति कि निर्देश देती मो भक्त को रक्षा करने तेणु प्रतिज्ञा तो के प्रतिश्रुति तो के
नष्ट हेनी तेणु तुम जाओ जारी पाखे अपराध कर बहुत कथा से कही से देख दुर्वासा जी सबकि छाड़ी मो पाक आ शरणागत हो संसार प्रति यार कौन सा आसक्ति ना सब त्याग कर मोरी मुझे ये करें मत किए भगवान कहे तेणु मुझे भक्त मान भक्त मोर हृदय साधु मोर हृदय मुझे साधु मान हृदय से मो बिना किसी जानते मुझे बिना किसी जाने तेणु यही प्रकार निष्किंचन निष्कपट निरभिमान निस्वार्थपर शरणागत भक्त को जब मुझे रक्षा न करी तेल मत किए भगवान कहे तुम्हें कहना तुम जब मो स्थित था कौन कर था जे सब छाड़ी तुम शरणागत हो ताको तो रक्षा करा दायित्व तो मन ना आ खाली ये नुहे तुम जाओ देख आज पर्यटन से दंडायमान होती से अम्बरीश क्या जो दिन तुम तक गृह बाहरी आसीगल ना से दिन से जल अन्न जल त्याग कर बस आड़े ये बड़ महात्मा अतिथि मो द्वार क्षुब्ध हो चली सी तुम जाओ ताक जाओ ये आसिले आस सत्यसती से सीम ढा पूरा हृदय मान कांदी कांदी जो प्रणाम कर अमरीशी चरण पड़े ना ना महाराज आपण महान त्यागी आपण महान ये मो अपराध हो गला क्षमा करूँ से देखले आश्चर्य होगले कहले कि आश्चर्य भगवान विष्णुंर कृष्ण भक्त मान शक्ति के देख जहाँ सुदर्शन निजुक्त होती कलागृत कले आशीर्वाद कले अमरीशी विदाय दुर्वास विदाय नहीं तापर वर्णना होती विशेषकर दशम स्कंद आईमारंभ कृष्ण चरित्र जो परीक्षित मैं प्रश्न कर चंद्रवंश वर्णना वर्णना कले सूर्यवंश वर्णना करते रामजी रामजी चरित्र नवस्कंद जाइंट दुईटा अधिक वर्णना कराई रामजी चरित्र कथा से रामलीला को दंडवत करें आम कहे आप सूर्यवंश कथा वर्णना करमजी हूँ विशेषकर आमर जी कि दशरथ पु दशरथ बापा हूँ अज अजं बापा हूँ रघु रघु ये सब बना खट्टंग ऋषि पु हूँ खट्टंग ऋषि वंशर जो सब आट्टंग ऋषि पु दीर्घभाव दीर्घभाव पु हूँ रघु रघु पु हूँ अज अजं पु दशरथ ये प्रकार रघुवंश कहुई दशरथ नंदन रामजी को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की आम शंकर चक्र गदापद कहुई राम को आम अवतार रूप ग्रहण करूँ राम भी अन्य भगवान भगत स्वरूप सी तेणु रामांदी संप्रदाय जो से भगवान राम को स्वयं भगवत सारिल मानुंत जहाँ आम तो चैतन्य महाप्रभु द्वारा आम आसीचे आम सिद्धांत आम ग्रहण कर कृष्ण ही आम अवतारी तेणु ये कृष्ण चरित्र शुणापी परीक्षित मैं बसी कहले आपत कहते से कृष्ण चरित्र कथा यदश्च धर्मश्लेष नितरा जो मनीषत्तम तत्रांसेन अवतीर्ण से विष्ट ब्रिजाणी संसस कहले हे प्रभु जदुवंश जो कृष्ण भगवान प्रकट होते कथा कहतु हे सत् उत्तम हे मुनि सत्तम हे महामुनि आपण कहतु धर्मराज जदु महाराज जदु जड़े थे जजाति पु जजाति चारि पु बड़ पु हूँ पुरु शेष पु बड़ पु हूँ जदु सान पु हूँ पुरु किंतु देखागला पुरु प्रति विशेषकर राजगादी कार बसार अधिकार थाए बड़ पुंकर थे जजाति कौन कले से जिते भूल वस्तु अभिशापग्रस्त हो बार्धक्य आसी जाइए ऋषि अभिशाप जी देखते से शुण बार्धक हो गला से प्रण प्रार्थना कले मोर पूर्व जौवन कि प्रकार फेरी पाइबि ऋषि महात्मा कहते तुम जदि किए सौहृदता सहित तुमको बयस जौवन जब प्रदान करेंगे तेल तुम आउ थे पुनर्बार तुम जुवक तुम से इंद्रिय सुख को आस्वादन कर देखिले पु मान पाख आसिले पु मान को कहले देख मोर यही प्रकार अवस्था मु तो अभिशाप अभिशापग्रस्त की बार्धक्य अवस्था हो तेणु कृपा कर मत मोर आदेश पिता हिसाब से पुत्र हिसाब से तुम करते हो पितार इच्छा को पूर्ण करा दरकार तेणु जदि कहले तुम गोटे काम कर तुम बयस मत दे दियो बड़ पु कहले ये मना करदे शेष पु राजी हेले पुरु पुरु राजी हेले पुरु जो पिता को निजर बयस से समय बयस संकल्प कर दिहला संकल्प कर निज बयस प्रदान कराला से जुगरे जो पुरु राजी हेले पुरु को से राजा करदे
जदुकु राज्य रु बाहर करदे कहीं तो बापा कथ मो कथ शुण लाभ कौन कि कहला जदस्य धर्मशीलस्य भागवत महाराज कहते जदु धर्मराज कहीं भगवान भी निजे जदुवंश ना जदुवंशी बोली जादव बोली चित्रित जगत विख्यात कारण जदु महाराज कहीं बापा कथ प्रत्याख्यान कले तार कारण हूँ चिंता कले पितार करते हूँ बापा सुख विधान करने कथा कि चिंता कले बापा जो मोर बयस मगुच्च कौन पर मगुच्च जदि भजन करने मागे तेल मुझे गोटे बयस कहीं जन्म जन्म तो बापा बयस दे था जदि मो पिताश्री हरिभजन करने मागि था जन्म जन्म धरी जगत को आसता सब जगह बयस दे था कि ये मगुच्च कौन इंद्रिय सुखप मगुच्च प्रकृति रमण करने मगुच्च तेणु मोर बयस तो एक बेकार भी हम द्वितीय कथा मुझ वृद्ध हो मुझे बयस दे वृद्ध हो मुझ भजन कर ना मोर भजन हम ना सी भजन करें ये बड़े दुर्लभ जीवन जो समय समय नष्ट तेणु से मना करदे चिंता के सूक्ष्म विचार देखु पुत्र कर्तव्य पिता को सन्तुष्ट करवा दरकार कि जदु महाराज विचार जब आम देखा भगवान भजन से गुरुत्व दे धर्मराज कह जदुवंश नामी थे ठाकुर जी तापर कह तत्रांशन विष्णु बीजाणी संसर अंश में जो विष्णु प्रकट विष्णु अंश में जो प्रकट जी विश्वर अंश बलदेव जो कह साक्षात से सब कथा कहते आप कहले नई कहले जगत रे एकमात्र रोग हूँ तृष्णा कामना बासना जो मानक ये प्रकार कामना बासना तृष्णा नष्ट से मैंने भगवान कर उत्तम श्लोक भगवान कर कथा भजन करती कीर्तन करती कि जगत में एमती किए व्याध सदृश लोक अच्छे जी कि उत्तम श्लोक भगवान को कथा को न शुणुची निवृत्त से पोगीय मानद भवस्त शत्र मनवी रामात को उत्तम श्लोक गुणानुवादन पुमान विरजते बिना पशुघ्नाथ कहले निवृत्त तरसे तृष्णा जार तृष्णा नष्ट तृष्णा मान कामना बासना इंद्रिय सुखर कामना बासना भौतिक कामना बासना जो मानक हृदय तृष्णा नष्ट निवृत्त तस्से उपगीय मान जो मैंने ये सब कीर्तन कर भगवान कथा जो मैंने कीर्तन रमण करवौषधि कहीं भगवत कथा होची भागवत कथा कृष्ण कथा होची भवौषधि भवर औषध एकम्र भवसागर पारिया केवल भगवान कथा रूप तरण से बसवा दरकार नौकर तेणु भवर औषध हूँ ये औषध कि प्रकार कौन सी तिक्त नुए कि कसा नुए ये औषध हूँ पूरा मीठा भवौषधि मन को श्रवणेन्द्र को हृदय को मन को प्रसन्न कर मन भी रामात कहगला ये प्रकार औषध ये भगवान कथा आपको जो मैंने सेवन करती मन भी प्रसन्न हो जाए हृदय प्रसन्न हो जाए श्रवणेन्द्र भी श्रुति मधुर होता है तेणु कौ उत्तम श्लोक पुमान बीरज जगत एमती किए पुरुष अच्छी जी कि उत्तम श्लोक भगवान कथा शुणवर वंचित हो जाए केवल व्याध सदृश जो मैंने था निष्ठुल हृदय से मैंने यूर वंचित हे परीक्षित माँ सुखदेव जी कहला अरे परीक्षित बहुत समय बसल जाओ टे खानपान करस रेस्ट ये कहे ना महाराज मुझे खाद्य तृष्णा सी थे तो सेमती तृष्णार अतिष्ठ दुर्भाग अपराध करी मु तेणु खिदार बेगू सह करा कष्ट तृष्णार बेगू सह करा कष्ट किंतु कष्ट आपण को मुखर बिंदु जो अच्युत कथा श्रवण करुचे मुझे मोर खिदा तृष्णा मत बाधुनी बाधुनी कहले नैसा तीति दुश खिन्मा त्यक्तम टपी बाधते पीवंत तन्मुखाभज च्युतं हरी कथा अमृत आपण मुखार बिंदु अच्युत कथा जो अमृत कथा मुझे शुणुची ए मोर खिदा तृष्णार जो कष्ट मत बाधुनिया महाराज तेणु कहतु आप कहे पृथ्वी जिते दुष्ट मान द्वारात्म भाराक्रांत हो गले पृथ्वीमाता गोमाता रूप धारण कर से ब्रह्मा पाख गले ब्रह्मा पाखे नवेदन कले बर्तमान देख सारा राज्य पूरा दुष्ट मान द्वारात्म रही सर्वस्व हेले मह्य कर पारनी कौन करी जितने ब्रह्मा शंकर जी सहित इंद्र सहित समस्ते गले क्षीरसागर को गले क्षीरसागर से कौन करार्थना करार्थना कर समय हृदय भितर ठाकुर जी प्रेरणा देखते
क्षीरसागर जी की अचंद खीर अब्दी से भगवान जी की विष्णु भगवान से हृदय ते प्रेरणा दे ब्रह्मा देख भी ना खाली अंतर भी प्रेरणा आसला तापर स्तुति करचंदी पुरुष सूक्त मंत्र स्तुति करचंदी तापर चक्षु भगवान का आदेश आसला ना कौन अनति विलंबे से भगवान वासुदेव साक्षात भगवान पुरुष पर कला से ही प्रकृतिर पर पुरुष वासुदेव भगवान वसुदेव गृह साक्षात वसुदेव गृह प्रकट हे वसुदेव गृह प्रकट हे तेणु हे तुम देवता मैंने देवांगान मान सहित समवंत सुर स्त्रीय सब देवांगान मैंने जा सब वंश तुम से प्रकट हो जाए जन्म हो जाओ सब कौन पाई तत्व प्रियार्थे प्रीति पाई भगवान वसुदेव गृह आस खाली से नुह कहला वासुदेव कलानंत सहस्र बदन स्वराट तांकर कला जो अनंत जे कि सहस्र बदन जे कि बलदेव जो कहगला से भी प्रकट हुए कि प्रकार अग्रत भवित देवी प्रथम प्रकट हो ठाकुर जी प्रकट हो पूर्व से प्रथम आसवे कौन पाई हरि प्रिय हरि चिकित्सा बाहु हरिंकर प्रसन्नतापाई ठाकुर जी को प्रसन्नतापाई प्रथम तांकर भगवान बलदेव साक्षात आसे अनंत भगवान आसे खाली से नुह विष्णुर्माय भगवती जय समित जगत आविष्ट प्रभुणान से न कार्यते संभविष्य कह जोगमाया भगवान जो चिन्मय शक्ति से जोगमाय मध्य छाया शक्ति महामाय सहित से प्रकट हे प्रभु आदेश प्रकट हे कार्य सहायक हाँपाई तेणु हे देवता मैंने चिंता करा दरकार नहीं अनति विलंबे वसुदेव गृह ठाकुर जी प्रकट हे समस्ते ब्रह्मा को परिक्रमा कले प्रणाम कले जी जार गंतम स्थल से उचारे तापर देवता ने आसी जन्म होती भोज वंश अंध वंश वृष्टि वंश विभिन्न प्रकार वंश प्रकट हो सब एपटे कौन हो मथुरा कथा वर्णना कराई मथुरार जिते बड़े उग्रसेन राजा तर पुत्र जी दुष्ट कंस महाराज ये ए राजा है ना युवराज अच्छा कि लालायत सब बापार सीटा को नापाई कि प्रजा मैंने प्रजारंजन ना से प्रजा मैंने भिन्न दृष्टि देखुले सब भोट बापा पटे जाऊला बापा समस्त समर्थन करुले तेणु से अपेक्षा कर समय को धीरे कौन से भौणी जी कि देवकी कहगला तांकर विवाह होइछि विवाह नग्न स्थिर होइछि का सहित वसुदेव सहित वसुदेव जड़े महान विद्वान विद्वता पुरुष मंत्री महाराज भौणी की विदाय लग्न देवाई से चाहते कंस महाराज कौन कले एटा ही सुजोग अंततः भौणी को निजे विदाय देवी तद्वारा लोक मान मन भितर मो प्रति जो टिके नेगेटिव भावना रही सकारात्मक विचार आसो तेणु हजार हजार लक्ष लक्ष लोक सब धाड़ी बांधी छिड़ा होती निजे कंस कौन कले सारथी हेले घोड़ार लगाम धरले चबुक धरले भौणी भिणे बस जमाता बस रथरे ये पूरा नहीं हस खुशी नहीं विदाय दे समय देवता मैंने देखिले जदि कंस जदि यही प्रकार भौणी भग्नी प्रति देखेव यही प्रकार जब पारिवारिक सुख दुख सुख भीति से रोल तो ठाकुर जी प्रकट हो पारे कहीं भगवान भगवान भक्त को कष्ट ही भगवान प्रकट हाँ ये भी गोटे सिद्धांत अच्छी निजस्व भक्त आनुकु तेणु कंस जदि कष्ट देव देवकी को ताल ठाकुर जी प्रकट हे देवता मैंने चाहूल भगवान जिते शीघ्र प्रकट हूँ लीला देखापी जन्मलीला देखापी तेणु से कौन कले आकाशवाणी करदे कहले रे मूर्ख रे अबुध तु जहाँ को भग्नि रूप से विचार कर विदाय दौचु तार अष्टम गर्भ संतान तर मृत्युर कारण हे अश्य तुंग अष्टम गर्भे हंता तुंग भस्य बुध से मृत्युर कारण हे जो एति शुणिला कंस तार प्रकृत रूप प्रकट हो गला कौन जो हस्तरे से चबुक धरला जो हस्तरे घोड़ा लगाम धरला से चबुक छाड़ला लगाम छाड़ला गोटे हस्तरे खड़ग धरला गोटे हाथ में देवगर चुट्टी धरला एत सम्पन्त भग्नि प्रति देखा सी कि जो तार स्वार्थर आंच आसला तार प्रकृत स्वरूप आसला दुष्ट मान स्वभाव भैया दुष्ट लोक स्वभाव भैया से मैं जो स्वार्थ आसो आंच क्षति आसो से निज स्वरूप प्रकाश करेंगे से मैंने सीटे जना पड़े प्रकृत परिचयटा कौन बाहर भल तो देखा जाती समस्ते विपद समय जना पड़ती
तापर मारिया खड़ग उत्तोलन कर मरी तो जीवे सी मारदेव दुष्टा सी दस हजार हाथी बल कंस बसुदेव तहत युद्ध तो पारिपारे आ दुष्ट लोक जो क्रोधान्वित हमें सम्मुख युद्ध पारि हेनी कौन कर सन्तुष्ट करवा दरकार चाटुकारी कथ कह दरकार तो समाधिकारी कथा वसुदेव तो जड़े महान विद्वान थे से धीरे स्थिर कहते कहले हे भोजराज आपण एत बड़ वंशर जड़े महान आपण भोजवंशर जजुल्यमान ज्वलंत ज्योतिष सदृश एत बड़ महान वंशर आप प्रदीप बड़ बड़ वीर मान सभार आपण जश जश कीर्तन कराए कितु एत बड़ वीर हो जशस्वी पुरुष ही आपण गोटे स्त्री की हत्या करे जी भी आपण भौणी से सद्य बहुत बेदी उठी ये तो बड़ा अपमान है महाराज कहले प्रशंसा कले कहले कौन हम मृत्यु जहाँ पर सभार प्रशंसा कौन कम कर मृत्यु मरीज हो जाए मृत्यु आसलानी देवता मैंने कही सी शुणिलानी से वसुदेव कहले भाविले जदि स्वामी कर्तव्य हूँ स्त्री को रक्षा करवा स्वामी कर्तव्य हूँ जत्प्रणति चेष्टा कर स्त्री को रक्षा करवा दरकार ये स्वामी कर्तव्य तेणु मोर कर्तव्य को रक्षा करमि करी जदि आकाशवाणी सत्य ताल देवकी अष्टम गर्भ सत्य जी देवकी अष्टम गर्भ सत्य होती देवकी तो बची जाऊँ तार्थ ये तो मरवनी जब देवकी मरुनी ताल तो मोर कर्तव्य बर्तमान रक्षा करवा दरकार ये समय पार करवा दरकार एमती भी हो पाए देवकी अष्टम गर्भ हवा पर कंसला मरी जापे ये भी हो पाए देवकी अष्टम गर्भ प्रकट ले दैववाणी अनुसार से मो पुआटा आपको मारदे पाए तेनालीर मन भितर तर्जमा कर सिद्धांत पहुँचले जहाँ मुझे आपको रक्षा करवा दरकार कहीं आकाशवाणी हो मैंने देवकी निश्चित रूप जीवित होती तेणु कह देख कंस मुश्रुति दूची देवकी अष्टम गर्भ कहीं गर्भर जिते सतान जन्म हे मुझ तुमको देदेवी सी तो तुम शत्रु नुहे ना तार अष्टम गर्भ तुम शत्रु मुति संकल्प करती कहला हाथ खड़ग तले पड़गला कहीं से जाने कंस देवकी वसुदेव मिछ कहते आ वसुदेव जहाँ कहते पालन करती सीट से रथ घूरला मथुरा पटे छाड़देला पर जाओ आराम रु अष्टम गर्भ आसले विचार करिया नारजी देखिले अरे रे कंसटा तो ये भाई भी सहित तो दंड देले सिना दुख दुखटा बढ़ले सिना ठाकुर जल्दी प्रकट हे यदि कंस जी पूरा प्रीति कर भग्नी भिणी सहित तो अष्टम गर्भ केबे हम आम से समय अपेक्षा करिया ना नारद जी चाहूँ जिते शीघ्र ठाकुर जी प्रकट हूँ लीला को दर्शन कर भक्त भी गोटे अद्भुत भक्त तेणु से सीधा आसीगले आसी कंसर बगीचा भितर प्रवेश कर कंस को डाक स्वागत कर कंस शुणी दौड़ी दौड़ आ गुरुदेव तो नारद गोटे चरित्र अबाध गति सबुठी सुर असुर नर किन्नर सबुठी अबाध गति कौन ट्राफिक ना गेट ना आई कार्ड दरकार आई डी प्रूफ दरकार ना ना ही जथेष स्वरूप कंस प्रणाम कले कंस पाखे बसिले नारद कहले देख तुम जाचना मुझ तुम एकमात्र हितैषी ये कहे मार ये कौन सन्देह अच्छी मुझे आत भ्रमण करी ये मुझे डायरेक्ट आष्णु पाखु आईकुंठ जा वैकुंठ गोटे गोटे चलती गोटे सभा चलती भगवान विष्णु से कौन कर सभा कर सब देवता मान को लेकर से सभार तुम विषय चर्चा चलता कंस छिड़ा मो विषय हाँ अरे तुम विषय तुमको मारे चक्रांत चलता मत मारे हाँ कहीं तुम जान पूर्वजन सी ही तुमको मारे तुम कालनेमी थी तुमको सी मारे सब जन्म सी तुमको मारी कि जन्म तुम एत बल बलशा सी बर्तन एका मारी पार तुमको भगवान विष्णु बर्तन तुम सहित सम्मुख युद्ध करने पूरा पर डरुँ भय कर सी तेणु बर्तमान से पूरा प्री प्लान कर मारे देवता मान सहित तुम जाण कंस जिते सब अच्छा सब दरबार में सब तरी आंबासाडर तरी स्पाई जाग सब दूत जाग ये मथुरा नगर जिते सब तुम एडमिनिस्ट्रेट प्रशासन सब रही सब तरी सब से वंश विष्णु को दूत जाग सब के तुम पर सर्जिकल स्ट्राइक हम अच्छा अष्टम गर्भ ना तो
ତୁମେ ଜାଣିନ ଅଷ୍ଟମ ଗୁରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ କ'ଣ, ସେମାନେ ଏକଟାକୁ ଆଠ କହିବେ, ଆଠଟାକୁ ଏକ କହିବେ, ତ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିନ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାକୁ। ଆଉ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି, ସିଏ ତ ପୁରା କଳା କଳା ମୁରଲିବାଲା କାଲା କାଲା ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଯେତିକି କହିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ବି ଆସିପାରେ, ସିଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବି ଆସିପାରେ, ସେମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ସେ ଠିକ, ତାଙ୍କର ଗଣିତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଅଷ୍ଟମଗର୍ଭ ପ୍ରଥମଗର୍ଭ ବି ଅଷ୍ଟମଗର୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତମାନେ କୁହନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି କାଉଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଏକ ହୋଇଥିବ ସେଟା ଆଠ ହେବ, ସେଟା ଦୁଇ ହେବ, ସେଟା ତିନି ହେବ। ଏତିକି କହିକି ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ତାପରେ କଂସର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ସିଧା ଆସିଲା, କ'ଣ କଲା, ତାର ଯେତେ ସବୁ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେ ବାପାଙ୍କୁ ପୁରା ସିଂହାସନରୁ ବାହାର କଲା। ପରେ ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା'ର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ। ବୁଗ୍ରସେନ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରି ନିଜେ ସିଂହାସନରେ ବସିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଲା। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ବସୁଦେବ ଦେବୀକି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଠୁଙ୍କି ଦେଲା, କାରାଗାର ଭିତରେ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ଯେମିତି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଜାରି ହୋଇଥିଲା, ଇନ୍ଦିରାଥରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଜାରି କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ 144 ଜାରି ହୋଇଗଲା, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସବୁ ନିଆଗଲେ, ସବୁ ଜେଲ୍ ପଳେଇଲେ ସବୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଠୁଙ୍କି ଦେଲେ ସବୁ। ତାପରେ ଚାଲ ଆତଙ୍କ ରାଜ କଂସର ପରେ ରାଜା, ସିଏ ତାର ଯେତେ ତାର ନିଜର ସ୍ଥାବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲା, ସିଏ ଆତଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଲା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କେତେ ତ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅକୁର ଭଳିଆ ମହାତ୍ମା କିଛି ଲୋକ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଠାକୁର ଯେ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିଛି ତାପରେ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କର, କାରାଗାର ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ଦେବକୀ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସଶସ୍ତ୍ର ପରେ ରଖାଯାଇଛି କାରାଗାର, ନିବୁଜ ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ, ସେଇଠି ପୁରା କଷ୍ଟରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଶିକୁଳି ଫୁକୁଳି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆଲୋକିତ ହେଲା, ପୁରା କାରାଗାର ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା କନ୍ଦର୍ପ ସ୍ୱରୂପ, ନାଁ ହେଇଥିଲା କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ବସୁଦେବ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାଗିଛନ୍ତି, କେଉଁ ମାଆ ନିଜର ନବଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଇପାରିବେ କି ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାତରେ, ସେ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ବସୁଦେବ କହିଲେ, ଦେଖ ଦେବକି, ମୁଁ ପିତା ହିସାବରେ ମୋର ବି ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ବାଛଳତା ରହିଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣେ କେତେ କଷ୍ଟ ତୁମକୁ ହେଉଛି, ତାଠୁ ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଯଦି ମରିଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ତ ହେବ, ମୁଁ କଂସ ହାତରେ ପୁତ୍ରକୁ ଟେକି ଦେଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ହାତରେ ମୁଁ ଟେକି ଦେଉଛି, ସେ ତ ମାରିଦେବ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକି ରକ୍ଷା ଯଦି ନ କରିପାରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାକୁ ଜବାବ ଦେଇଛି, ତୁମରି ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ତା ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେବ। ମାନେ କି ପ୍ରକାର ମହାତ୍ମା, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ପୁଅକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାତରେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କି ନିଜର ଜବାବକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଗୀତାକୁ ଛୁଇଁକି ଯୋ କହୁଙ୍ଗା ସଜ କହୁଙ୍ଗା ସଜ କି ସେବା କୁଛ ନାହିଁ କହେଁ, ଏ ଗୀତାରେ ଗୀତାକୁ ଛୁଇଁକି ସବୁ କୋର୍ଟରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜିତୁଛି ଜଣେ ହାରୁଛି, ମିଛ ତ କହୁଥିବ କିଏ ହେଲେ ନା, କି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଛି, ଗୀତାକୁ ଭଗବ ସ୍ପର୍ଶ କରି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ହାତ ଦେଇ କହୁଛି, ଯାହା କହିବି ସତ କହି ସତ ସଲା ମିଛ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ମିଛ କହିଥାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ପାର୍ଟିକଲ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲେ ସେମାନେ। ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, କଂସ ଦେଖିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଏମିତି ଜଗତରେ ପିତା ଅଛନ୍ତି ନା, ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛି ନବଜାତ ସନ୍ତାନକୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାର ସାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଆସିଲା କଂସର, କହିଲେ ଆରେ ସୁଦେବ, ଇଏ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଅଷ୍ଟମଗର୍ଭ ସନ୍ତାନ ମୃତ୍ୟୁ, ଆପଣ ଫେରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମଝିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମଝି ରୁମ୍ରେ ବସିଗଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଲ୍ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଆମେମାନେ ହେଇଥିଲେ ସିଧା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସନ୍ତେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ, କିନ୍ତୁ ବସୁଦେବ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦେବକୀ ପାଖକୁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେବକୀ ପାଖକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତାନଟାକୁ ଧରିଛି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ ପୁରା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ଅସୁରଟା ଦୁଷ୍ଟଟା ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକଟ ହେଲା, ଆଉଥରେ ଟାଣିକି ଝାମ୍ପିକି ନେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଦେବକୀ ଆଉଥରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ଆଉ ତାକୁ ସୁଖ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଇଏ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଙ୍ଗ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅକର୍ଯ୍ୟାଣ, କିଙ୍ଗ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କଦର୍ଯ୍ୟାଣ, ମାନେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଅକାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କଦର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ନ କରନ୍ତି, ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ସେ ଜାଣିଛ ଦୁଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତ। ଆଉ ସେ ହିଁ ହେଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ କଂସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା,
आसला बसुदेव कूल से छोड़ टाणी नहींगल पूरा नहीं से गोटे शिला अच्छे शिलार गोड़ दीरा धरी पूरा कसला पिटला पूरा क्या नारद कथा मन पड़गला ना नारद कही प्रथम सतान भी अष्टम सतान सी आस मन पड़ेगा से दौड़ दौड़ आस मारदे पूरा तेना भागवत कहुचे किंग किंग दुसत साधुना विदुषा किं उपेक्षित किम अकार्य कदर्जाण किं दुस्तज धृतात्मना कहगला अच्छा कहुचे किं दुसत साधुना साधु मानक जगत एम कौन कष्ट जाऊ से सहय कर पारते गोटे पु ने लगातार प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षठ छा पु से हाथ टेक कौन कष्ट ना तथे सहे कर सहे कले कहीं सहे कले तार कारण अच्छी सी भी अपेक्षा करते ठाकुर जी प्रकट हूँ ठाकुर जी को दर्शन करने निजर नवजात छा सतान भी सी काला हाथ टेक कि प्रकार महात्मा भगवान सबकि प्रस्तुत सी से किंग दुसत साधुना विदुषा किंग उपेक्षित विदुषा जो मैंने जानती सृष्टि रहस्य भगवत तत्व तांप उपेक्षा किसी ना समस्त उपेक्षा करदे से अपेक्षा करेनि क्या दुष्ट जो मैंने से मानी अकार्य किसी ना सब निंदन कार्य करें विशेषकर किंग दुष्ट ज्य त्याग करवाटा जगत में एमती कौन सी वस्तु ने जहाँ त्याग कर पारती सत मैंने जो मैंने हृदय भितर भगवान को धारण कर किंग दुष्ट जो धृतात्मना जो मैंने आत्मारे धारण कर ठाकुर जी को जगत कौन सी प्रकार दुर्लभ वस्तु ने जो त्याग न करती महात्मा कह जाए त्याग कर दिये सबकि त्याग कर दिये बाहर देखा तो सब करुवे सब करते मान संसार गोटे गृहस्थ ठू अधिक कष्ट पड़ते से गोटे गृहस्थ मत आराम रेस्ट नौ कि बाजुआन को रेस्ट ना कष्ट पड़ते पूरा टंका टंका पाई पाई हिसाब रखते कष्ट पड़ते जे भी देखियो साधु ही केते लोभ हुए कि समय से सब छाड़ दे माला देखें छाड़ पड़े यही तो साधु चमत्कार यही हूँ वैष्णव मान क्रिया कि दुष्ट धृतात्मना कहगला यहाँ सतोष अच्छा कष्ट पड़ते कड़े कौन छाड़ पड़े कौन बाजी कौन भगवान को जे धारण करते भगवान पर जे दुनिया छाड़ी तापाई छाड़ा कौन छाड़ा तार स्वाभाविक वृत्ति यहाँ भगवान को जे धारण कर भजन ही दरकार तार बास लोक बुझे दुनिया कथा कौन आक्षेप कर आरोप कर दुनिया मंतव्य दौरान कि गोटे साधु को चिन्हिया गुरु माँ जो पचार गला वैष्णव चिन्हिया कि सांगे सांगे उत्तर देते वैष्णव हेल्ले वैष्णव को चिन्हिया चिन्ह पारे ना आम बाहरटा देखुचे बाह्य क्रिया देखा दरकार उद्देश्यटा कौन जड़े किसी करुँ मैंने तार उद्देश्य कौन देखे से कौन करा ना उद्देश्य कौन पाई उद्देश्य जब महत अच्छी तेज़े शत्रु आलिंगन करा दरकार प्रणाम करा दरकार बट मित्र भी जब उद्देश्य मंद उद्देश्य थोड़े तार दूरे दरकार उद्देश्य तो भगवान पाई ना जगत पाई ना कष्ट पड़ी कर आज उत्सव गोटे है सब आसचे शुणुचे प्रसाद पाचे के सुंदर व्यवस्था महात्मा कार्य यहाँ करे कर सब छाड़ी जी संसार जन घर करें कौन पर मो पु रो नाति रो वंश प्रकार ना कि साधु तार कष्ट गोटे मंदिर तैयारी कर तार किए रार तो किए ने जाने से कर छाड़ी जीव तफात ही गोटे संसार गोटे साधु भितर संसार लोक संसार कर सी जानते मो संसार बो कर कि साधु जाने तार कई ना से छाड़ी जीव ये अन्न यहीं आकाश पातल तफात जड़े कर निज पर जड़े कर भगवान कर तेणु कहला किंग दुष्ट जो धृतात्मना जे भगवान को हृदय धारण कर त्याग किसी सब सब कुछ त्याग कर पार सी नौटा दिल सर्टकट करद बेस एपटे कौन हो प्रतीक्षा कर सप्तम गर्भ आसला सप्तम गर्भ साक्षात बलदेव प्रकट होती आकर्षण कर रोहिणी माता जी कि वसुदेव आठ पत्नी से जड़े पत्नी हो रोहिणी जी कि नंद बाबा पाख जा वृंदावन जी अच्छा गोकुल पूर्व पठाई वसुदेव तेणु देवकी गर्भर तक आकर्षण करागला अच्छा देवकी गर्भर कहीं आकर्षण कल सीधा तो गर्भ प्रकट कर ना जेहेतु अनंत ये हूँ अनंत जो ठाकुर जी अनंत सज्जार शयन करती
ସେଥିପାଇଁ ଦେବକୀର ଗର୍ଭରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଠାକୁର ଯେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନଟାକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେଥିପାଇଁ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭରେ ଅଗ୍ରତ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆସିଲେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ସେ ଅନନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦେବ ଗର୍ଭ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରାଗଲା ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସଂକର୍ଷଣ ହେଲା। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଏ ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି କଂସ ଆସି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ତେଜ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କଂସ ଆସି ଦେଖିଛି ଯେ ଇଏ ପୂର୍ବର ଦେବକୀ ନୁହେଁ। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ସେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଆଲୋକ ପୁରା କୋଠରୀ ପୁରା ଆଲୋକ ପୁରା କାରାଗାର ଦେବକୀର ତେଜ ପୁରା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। କଂସ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା କହିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ଅଛି ମୋର କାଳ ଏ ଭିତରେ ରହିଛି ଗର୍ଭ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ସଶସ୍ତ୍ର ପହରିକି ଆହୁରି ଟିକେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଦେଖ ଆଉ ଚେନ୍ରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଦିନ ରାତି ପୁରା 24 ଆୱାର୍ସ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଖବର ମୋତେ ମିଳିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଆସିଗଲା ନା ଶେଷ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିଲା ସେ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଏମିତି ନାହିଁ କଂସ ନିଜର ଛାଇକି ଦେଖିଲେ ଡରିଲା କାରଣ ନାରଦ କହିଥିଲେ ନା ସେ କଳା ରୂପଟା ଛାଇକି ଦେଖିଲୁ ଡରିଲା। ପାଣି ବି ପିଉଥିବ ପାଣି ଯଦି ଚହଲି ଯେଉଁ ଦେଖିବ ଭିତରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବ କି ସେ ତ କହିଥିଲେ ସବୁଠି ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବ ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି। କାଲା କାଲା କହିଥିଲେ ତ କାଳିଆ କାଳିଆ ଭୟଭୀତ ହେଲା ବିଚରା ପୁରା ନିଦ ହଜିଗଲା ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାକୁ ଫାଶି ଦିଆ ହେଇଥିବ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଯିବ ସେ କ'ଣ ଶୋଇପାରୁଥିବ କି ଆଉ ନିଦ ହେଉନଥିବ ତାକୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମରିଯିବ ଯେ ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମତି ଭୟ ଆଜ୍ଞା ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୟ କରନ୍ତିନି ନିର୍ଭୀକ ହେଇଥାନ୍ତି ହରିଭଜନର। ଯାହା ବି ହଉ ଏପଟେ ନନ୍ଦ ବାବା ଯଶୋଦା ମା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ନନ୍ଦ ବାବା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା କରିଛନ୍ତି ସାଧୁ ସେବା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସାଣ୍ଡିଲି ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଯମୁନା ସ୍ନାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯମୁନା ସ୍ନାନ କରି ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଏମାନେ ଏ ସଦ୍ୟ ସ୍ନାତିକି ଆସି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ପୁତ୍ର ଭବ ସମସ୍ତ ମୁଖରୁ ଶ୍ରୀସୃତ ହେଲା ଇଏ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସେଟା କ'ଣ ଫଳିବ ନା କ'ଣ ମୁଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେତେ ଉପାସନା କରୁଛି କେବେ ମିଳିନି ପୁତ୍ର ଆପଣ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କହିଦେଲେ ଆପଣ ଏମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସତତ ଆମ ସମସ୍ତ ମୁଖରୁ ବାହାରିଲା ଦୌଡ଼ିଲେ ସାଣ୍ଡିଲି ମସି ପୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ କୁଳଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ଯମୁନା ସ୍ନାନ କରି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ସାଣ୍ଡିଲି ସେଠି ଚୁପଚାପ ବସିଲେ ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିଲେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିଲା ଏକା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜିକୁ ଠିକ ଲଗ୍ନରେ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରକଟ ହେବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ନନ୍ଦବାବୁ ଡାକିଲେ ନନ୍ଦଜୀ କହିଲେ ଆରେ ବିଚାର ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ ସନ୍ଥଙ୍କର ମୁଖରୁ ସେ ବାଣୀ ସକଳ ସଂକଳ୍ପ ସେ ହିଁ ସାକାର ହୋଇଯିବ ତୁମର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଆସିଗଲା ବାସ୍ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦିଅ ତୁମେ ବ୍ରଜରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜିକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ମାନେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦବାବାକୁ ସାଣ୍ଡିଲି ଋଷି କହିଥିଲେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନ୍ଦ ଉଛୋ ଚାଲିଛି ମୋ ପୁରା ମେହଫିଲ ଚାଲିଛି ବ୍ରଜରେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପୁରା ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କରୁଛେ ଉଛୋ କିନ୍ତୁ ସେଠି ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଲହରି ଚାଲିଥିଲା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯିଏ ତା ଇଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ନନ୍ଦବାବୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆମ ରାଜାଙ୍କର ଲାଲା ଗୋଟେ ହେଉ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରିକର ନା ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ। ଏପଟେ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଗଲା ଯେପଟେ ବସୁଦେବଙ୍କର ବସୁଦେବ ଥରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ଥରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦେବକୀ ବି ପ୍ରକଟ ହେଇ ନିଦ୍ରାଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ତେଜ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ନୀଳ ତେଜ ଦେଖାହେଉଛି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ସେ ତେଜର ଧୀରେ 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 ଆସି ବସୁଦେବଙ୍କର ଦେହ ଭିତରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ବସୁଦେବଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ତେଜ ବାହାରିଛି ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ଏତିକି ଭିତରେ ବସୁଦେବଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଘର୍ମାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ତାପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ସେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବକୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା ସେ ପୁରା ଥରଥରାଟ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର ସେ ଲକ୍ଷଣ ସିଏ ଦେବ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ୍ଠ ଅବରୋଧ ହୋଇଅଛି। ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହିଲେ ସେ ତେଜ କଥା ଦେବକୀ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ଗର୍ଭ ଭିତରେ କେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସ୍ୱାମୀନ ସେ ତେଜ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି ଏତେ ବଳ ଆସୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ମୋ ଜୀବନରେ କି ଅନୁଭବ କରିନି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲି
बोधे से अष्टम घर को आसीगला बोधे उभय स्वामी स्त्री बहुत आनंद रुचर स्तुति आरंभ होगा भगवान को स्तुति करते तो भक्त से मैंने एपटे कौन है जशोदा माता सुई नंद बाबा सुई स्वप्न देखु नंद बाबा देखुं गोटे अद्भुत नील मणि सदृश नील कांति नील मणि सदृश गोटे छोटिया लाला गोटे छुआ गोटे आसी कूल कूल बस दाढ़ी की सावलुंच ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଚଲନ୍ତି ବାବା 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 କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ନୀଳ ନୀଳମଣି ସଦସ୍ୟ ସେ ନୀଳକାନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ନୀଳମଣିକି ଧରିକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି ଚୁମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଗଦଗଦ ସ୍ୱର ବାହାରୁଛି ମାନେ କଣ୍ଠ ଭକ୍ତିର ବିକାର ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଚକ୍ଷୁର ଶ୍ରୀପାଦ ହେଉଛି କଣ୍ଠ ଗଦଗଦ ହେଉଛି ଶରୀର ପୁଲକ ରୋମାଞ୍ଚ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ସେ ଖାଲି ଗଁ ଗଁ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯଶୋଦା ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ନୀଳ ମଣି ସଦସ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଲା ଆସିଛି ମୋ କୂଳରେ ରହିଛି ମସ୍ତ ନେପାନ କରୁଛି ମୋତେ ବାସ୍ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ମୋତେ ଚାହୁଁଛି ତାର ମୁଖର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବାସ୍ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି ଏଥିରେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲି ଇଏ ନନ୍ଦଭାବ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଆମର ଯଦି କିଏ ଲାଲା ହେବ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ନୀଳ ମଣିଷ ସଦୃଶ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଛୁଆ ପିଲା କେବେ ଦେଖିନି ନୀଳକାନ୍ତି ସଦୃଶ ଶ୍ୟାମ ସାଣ୍ଡିଲି ମୁନି କହୁଛି ସାଣ୍ଡିଲି ମୁନି କହିଲେ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା ଏଥର ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଡକ୍ଟରମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେଉଛ ଋଷି ଦେଇପାରିବେନି ନା ତେଣୁ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ସମୟ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏପଟେ କଂସର ବି ନିଦ ହଜିଯାଇଛି ସେ ଟେବଲେଟ୍ ବି ଖାଇଛି ନିଦ ନ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଗଲାନି ନା ନିଦ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଟେବଲେଟ୍ ଖାଇ ଶୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମହାମାୟା ତ ସେଠି ରହି ରାଜ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାକଟ୍ୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଭାଦ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତା'ର ଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଳ ପରମ ଶୋଭନ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଭ ଘର ଆସିଗଲେ ଲଗ୍ନରେ ମୂଳ ପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଅଶୁଭ ରହିବ ଆଜିକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଆସିଲେ ରାସ୍ତାରୁ ଭିକାରୀ ଯେଉଁ ଘଟା ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆସିବେ ଭିକାରୀ ଭିକାରୀ କିଏ ରହିବ ସବୁ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁର୍ଣ୍ଣ ପକାଇ ଗଛ ପଛ ଲଗେଇବ ରେଡ଼ି କରାଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ସଫା ସୁତୁରା ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଅଶୁଭ ଶୁଭ ହେଇଗଲେ ସବୁ ସେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଠାକୁରଜୀ ଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ଆସି ସ୍ତୁତି ବି କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ସତ୍ୟପରଙ୍କ ତ୍ରିସତ୍ୟଙ୍କ ସତ୍ୟସୋନୀ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟସ୍ୟ ମୃତସତ୍ର ନେତ୍ର ସତ୍ୟାତ୍ମ ଶରଣ ପ୍ରପନ୍ନ ଏ ଶ୍ଳୋକର ବାକ୍ୟ ତ ଅଦ୍ଭୁତ ବାକ୍ୟ କରାହେଇଛି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ସେପଟୁ ଯିବାନି ଆମେ ସ୍ତୁତି ବି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଏପଟେ ମଥୁରାରେ ମହାମାୟା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି କେହି ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ନନ୍ଦବାବାଙ୍କର ବ୍ରଜରେ ଦେଖାଗଲା ସେଇଠି ବି ସମସ୍ତେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଚାଣ୍ଡିଲେ କହିଥିଲେ ଆଜି ରାତି ଠିକ୍ ଆଜି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଅଛି ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଛେନା ଫେନା ଧରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ କାହିଁକିନା ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜରେ ତ ମହାମାୟା ପ୍ରବେଶ କରିବନି ନା ଯୋଗମାୟା ଏଠି ମହାମାୟା ଉଭୟ ସାରା ଦୁଇଟା ନଗରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଠାକୁରଜୀ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ବସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଦେବକୀ ବହୁତ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ପୁଷ୍ଟି ଗର୍ଭ ଥିଲ ପୁଷ୍ଟି ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ତାପରେ ଅଦିତି ଗର୍ଭରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ତମେ ହିଁ ଅଦିତି ତ ମୁଁ ବାମନ ହେଇକି ଆସିଥିଲି ତମେ କଶ୍ୟପ ପିତାମାତା ତିନି ଜନ୍ମର ପିତାମାତା ତମେ ଏବେ ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ରୂପରେ ତେଣୁ ମୋର ଆଦେଶ ହେଉଛି ତମେ ମୋତେ ଧରିକି ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଯିବ ନନ୍ଦବାବାଙ୍କ ଯଶୋଦା ମା ତୁଳିଶାଳରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁହିତା ଜନ୍ମ ଦୁହିତାଟାକୁ ନେଇ ଆସିବ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ସେଇଠି ଠାକୁରଜୀ ବଡ଼ ରୂପ ହୋଇଥିଲେ ତାପରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ତାପରେ ଛୋଟ ହେଇଗଲେ ଛୋଟ ବସୁଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ କଳାଘୃତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହସ୍ତର ଶିକୁଳି ପାଦର ଶିକୁଳି ସବୁ ଖୋଲିଗଲା ଦ୍ୱାର ବି ଖୋଲିଗଲା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ଇଏ ସିଧା ଚାଲିଲେ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଯମୁନାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯମୁନାରେ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ସେ ସମୟରେ ଆସିଛି ପୁରା ଇଏ ଯମୁନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ 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 ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଖିଲେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ସିଏ
किंतु सेदिन पूर्णचंद्र प्रकट होगले चंद्रमा देखिले अरे मर्यादा पुस्तक भगवान रामचंद्र प्रकट होते सूर्य पूरा बारटा समय प्रकट होते राम रामजी प्रचंड मारतंड सूर्य पूरा गोलगाल हो प्रकट होते मुझे खंडिया रहीना मोर पूर्ण पुरुष आसुच्च प्रियतम आसुच्चु पूर्ण होती अष्टम तिथि चंद्र पूर्णवार पूर्णवार जोत्ना विचलित कले से पूर्ण पूर्ण चांद भाई प्रकट हेले एपटे कौन कर ठाकुरजी बसदेव धरिकी जा टोकरी धरिकी जा समय वर्षा वर्षा चिंता कले मेघ गुरु गंभीर गर्जन कर मेघ जीपचीप बर्षाप लगला मेघ कहले देख भगवान को बहुत सेवा करते बाल गोपाल रूप बाल झाकर के सेवा करनी मो पुरुष मोर ठाकुरजी आज छोटिया लाला रूप से आसे दर्शन मुझे सेवा करना वर्षा कौन सेवा कर वर्षा पा ही दब से झिपचिप वर्षा कले जो झिपचिप वर्षा कर अनंतदेव थी चिंता कले कड़े मूर्खटा भगवान को सेवा कर तो वर्षा कर भिजाई देवुना ठाकुर को ये कौन कले जमुना बसुदेव पश्चात पत्र बाहर फणा सब उत्तोलन कर छत्र सच आड़ुआल कर रखिले से फटोटा देखी थे ये प्रकार भगवान को वर्षा रक्षा करने सेपटे बिजुली कौन कले सी चक पावर देखे पूरा आलोक विचलित कर मझेरे मझेरे मेघ भी गर्जन करजुड़ी भी आकाश अंतरिक्ष उद्भासित होती पवन देवता ये चिंता कले मु कहीं रही मुँह भी टी सेवा कर मोर प्राणेश्वर आरम तर सेवा कर मृदुमंद सम्मिलन आसे से चिंता कले पूर्व जन्म मो प्रभु को सेवा करने चाहूँ मो पुट बाजी मत नहींगला कहीं पवन देवता बापा होती किए हनुमान पु हनुमान हनुमान सेवा कले पूर्व जन्म में मुझ सेवार बंचित यही जन्म में पु पु का मानवे मुझे निजे सेवा करी से मृदुबंद सम प्रवाहित हो सुलसुलिया पवन बहला ठाकुरजी को चामर कर प्रकार आलर्ट कर प्रकार प्रवाहित तापर जमुनार जल धीरे धीरे उछुड़ला उठी 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 आस आंठू अंटा कटी एपटे दाढ़ी पाड़ी सब डुबुटी डुबी गलानी वसुदेवर तापर जो नाक पाख पा आते वसुदेव ठाकुर जी चिंता कले कि अद्भुत ये कहीं ना जमुना जमुना जल चिंता करगवान को सब देखी कि प्रकार पूर्ण पुरुष जी कि बाल गोपाल रूप से आस देखी जी मो जीवन सार्थक जो मुझे चरण टे स्पर्श करी आ चरण स्पर्श कर मुंड अच्छा तेणुक पा जल तल बढ़ू धीरे 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 से चाहूल वसुदेव को पूरा चरण बुढ़े चरण स्पर्श करने ठाकुर जी चिंता कले अरे बड़ प्रेस बड़ अद्भुत पगलिनी तो मत स्वामी को पाए बोली कौन शशुर को पाने बुड़े दू ए से कौन धीरे चरण टा बाहर कले धड़ास्तना गोटे पदाघात कर जल प्रतल को पलि पूरा कहले स्पर्श हो गला कार्य सिद्धि हो गला देखा जमुनार पूरा राति कई प्रस्फुटित है दिन में पद्म प्रस्फुटित होता है सूर्य आलोक कि बर्तमान देखा सारा जमुना पद्ममय हो गला जमुनार खाली पद्म प्रस्फुटित कमलिनी कहीं रसिक सतान वर्णना करशोरजी आम राधाणी चिंता कले आज ठाकुरजी आम सुंदर आस गोलोक बिहारी मोर प्रीतम प्रियतम प्राणेश्वर सी आस सुंदर बाल गोपाल रूप से आसमें दर्शन करना सेवा करना तेणु सी कौन कले जो प्रकट होते सी जाऊँच चरण तो तले पड़ब ना से जोड़ी चरण रखुच्छे पद्मी फुटी जाती सारा जमुना पद्म हो गला पद्म पद्मालय जी कि कहगला पद्म उपरे आम राधाराणी चरण स्थापन करके आस ठाकुर पाक आसते प्रणाम कर अंतर्ध्यान सेवा को जापटे जमुना चिंता कले जमुना देखले मो सम्मुखे कृष्ण जमुना ना भी हूँ गोटे कृष्ण तक जल भी कृष्ण कहले मो सम्मुखे कृष्ण मो जल भी कृष्ण मो भितर कहीं कृष्ण रखी तेणु से निजे फाटीगले पूरा कहले मो अंतर भितर तार तो जमुना दी फल हो गला रास्ता परिष्कार बर्तमान वसुदेव चलने मानते कृष्ण को निजे भितर से रखिले सम्मुखे कृष्ण मो जल भी कृष्ण मो भितर कहीं कृष्ण हेनी बर्तमान वसुदेव जाऊँचे समय भगवत इच्छा कौन सारा ब्रज शयन करी पूरा बाड़ी फाड़ी धरी रेडी अच्छा घंटा फंटा धरिक सब सब ब्रज जगमायक समस्ते सुई जानी आज आसब समय दे सांडिल्यजी कि समय किसी ये वसुदेव अति संतर्पण गले देखले सारा नगरी पूरा सुप्त ये गले जशोदा कूल रखिदेले लाला को लालीटा को धरिक आसीगले किए जानना आसीगले पहुँचीगले
ଯେମିତି ଆସିବା କଥା ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ ହାତର ଶିକୁଳି ପୁକୁଳି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯଶୋଦା ମା ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଛୁଟିଆ ଲାଲା, ସେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ନିସ୍ପର୍ଶ କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସୁନନ୍ଦା ଯିଏକି ନନ୍ଦଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଶାଳେ ଯଶୋଦା ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୀଳ ଜୁଏଲ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ନୀଳ ମଳି ଗୋଟେ, ସେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏତେ ଲାଇଟ୍ କିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖୁଛି, ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଶୋଦା କୋଳରେ ନୀଳ କାନ୍ତି ନୀଳ ମଣି ସଦସ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଲା ଗୋଟେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ସେ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ନନ୍ଦବାବା ଶୋଇଥିଲେ, କହିଲେ ଭୟା ଭୟା ଭୟା, ଆରେ ଲାଲା ଭୟ ତୁମାରେ। ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଉଠିଲେ କ'ଣ କହିଲ, ଲାଲା ହେଲା, ଆରେ ଆରେ କି ମୋତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲାଲା ପୁରା ସବୁ ସାରା ବ୍ରଜ ପୁରା ଉଠିଲା, ପୁରା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସବୁ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଲୀଳା। ଚାଲ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ ପୁସ୍ତକ ହେଇଗଲା, ବୁଝିଗଲି ସ୍ୱାଗତ ପୁସ୍ତକ ଭଲ ଏବାର କଲ ବୋଲି ଚାଲ ଆମେ ବି ସ୍ୱାଗତ କରିଦେବା।